हेलो एवरीवन, फिजिक्स इको फॉर जेई 2022 के पेपर नंबर 5 के वीडियो सॉल्यूशन में आपका मोस्ट वेलकम। तो आज इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, रोटेशनल मोशन को। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी यू मेक्स एन इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन विद ए स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास एम। They come in contact for a very small time t naught. Their force of interaction is increases from 0 to f naught linearly in time 0.5 t naught and decreases linearly to 0 in further time 0.5 t naught as shown in the figure. The magnitude of f naught is, okay. So, collision elastic hai, theek hai, aur jo contact time hai unke beech ka, dono object ke beech ka, wo t naught hai. Unke beech mein graph jo hai hume yahan par given hai. So, humse pucha hai ki f naught ki value kitni hai. देखो, इलास्टिक कोलिजन है, एक ऑब्जेक्ट एम मास का, दूसरा ऑब्जेक्ट भी एम मास का, सेम मास का। वेलोसिटी अगर इसकी यू है, ठीक है, तो ये अगर वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन करेगा तो सीधी सी बात है वेलोसिटी इनके बीच में इंटरचेंज हो जाएगी। तो इसकी अगर जीरो है तो जीरो इसको ट्रांसफर हो जाएगी, इस वाले की जीरो है तो इसको यू ट्रांसफर हो जाएगी। तो आफ्टर कोलिजन कुछ ऐसा होगा, ये रेस्ट में आ जाएगा और ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो यू स्पीड से मूव करेगा। तो सीधी सी बात है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस वाले ऑब्जेक्ट पर इंपल्सिव फोर्स लगाएगा जब ये आपस में कांटेक्ट में होंगे, इस तरफ लगाएगा। एंड सिमिलरली ये वाला ऑब्जेक्ट इस वाले पर इंपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, ठीक है। अब फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है और एरिया अंडर द कर्व जो आएगा एफ टी का, ठीक है, वो इंपल्स को बताएगा हमें। एफ और टी का बीच में जो इंटीग्रेशन होता है वो इंपल्स को बताता है। तो यहां से एरिया अगर अपन देखें तो कितना आएगा, एफ नॉट जो बेस है वो टी नॉट आ गया अपॉन में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया ये, और एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है वो इंपल्स को बता रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इंपल्स कितना लग रहा है, इसके चेंज इन मोमेंटम के बराबर कर देंगे अपन, या इस वाले ऑब्जेक्ट पे ले लो, इसके चेंज इन मोमेंटम के बराबर कर देंगे, तो m into जो u है वो अपन रख सकते हैं यहां से। सो f नॉट की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 2mu / t नॉट। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आइए, two identical blocks A and B of the mass m joined together with a massless spring as shown in the figure are placed on a smooth surface. If the block A moves with an acceleration a naught, then the acceleration of block B is. तो block A का जो acceleration है वो a naught है, तो उस instant पे आपसे पूछा block B का acceleration क्या है, ठीक है। तो अगर block A acceleration से अगर या a naught acceleration से move कर रहा है, इसका मतलब जो spring है, spring इस पर कुछ ना कुछ force apply कर रही होगी, right? Let's say kx force है। तो kx की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, kx इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन a नॉट, इक्वेशन बना गई है। और ऑब्जेक्ट b के लिए अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट b का एक्सेलरेशन सपोज a है, तो kx सेम जो kx फोर्स है ब्लॉक b पे अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। तो इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए इक्वेशन लिखें तो f माइनस kx नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन m इनटू a, राइट। हियर kx इज इक्वल टू m इनटू a नॉट, तो ये m इनटू a नॉट यहां रख देंगे हम, तो f माइनस m a नॉट इज इक्वल टू m a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F by M minus A naught. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 3, ए मैन ऑफ मास कैपिटल M स्टैंड्स एट वन एंड ऑफ ए स्टेशनरी प्लैंक ऑफ लेंथ L लाइंग ऑन ए स्मूथ सरफेस। द मैन वॉक्स टू द अदर एंड ऑफ द प्लैंक, इफ द मास ऑफ द प्लैंक इज M by 3, द डिस्टेंस दैट द मैन मूव रिलेटिव टू द ग्राउंड इज। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो मैन है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। देखिए, ये प्लैंक यहां मैंने बना लिया, ठीक है, और इस एंड को मैंने ओरिजिन पे रखा, करेक्ट। लेंथ जो है प्लैंक का वो एल के इक्वल है, और जो मैन है, मैन का मास हमें गिवन है कैपिटल एम, मैन यहां पे प्रेजेंट है, कैपिटल एम मास मैन का, और प्लैंक का मास कितना है, एम बाई थ्री है। मैन का तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे लाई करेगा और प्लैंक का भी सेंटर ऑफ मास मैं यहीं कंसीडर कर लेता हूं इस पॉइंट पर। तो दोनों का सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे है, वाई एक्सिस पर है। तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास का अगर पोजीशन देखा जाए तो जीरो है, मतलब ओरिजिन पे प्रेजेंट है, सो एक्सीएम इक्वल्स टू जीरो। अब इस सिस्टम पर एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा क्योंकि फ्रिक्शनलेस सर्फेस है। जो भी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा मैन और प्लैंक के बीच में लगेगा, जो कि इंटरनल फोर्स का काम करेगा सिस्टम के लिए। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बदलने वाली नहीं है यहाँ पर, एक्सीएम जीरो है तो बाद में भी जीरो रहेगा। तो जब मैन इस तरफ मूव कर जाएगा तो जो प्लैंक है वो प्लैंक बैक साइड में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मैन अगर इस तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स मैन पे आगे लगेगा, और प्लैंक पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ
पीछे की तरफ लगेगा तो प्लैंक पीछे शिफ्ट होगा, तो प्लैंक का सेंट्रोमास यहाँ आ गया, ठीक है, और मैन यहाँ पे मूव कर जाएगा। लेट से प्लैंक जो है वो इस तरफ एक्स डिस्टेंस शिफ्ट हो गया, सो मैन जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैन का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, प्लैंक का इस तरफ है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, एल माइनस एक्स। अगेन अगर मैं सेंटर ऑफ मास की पोजिशन अगर यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो स्मॉल सॉरी कैपिटल एम इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है, मैन के लिए हो गया, और एम बाई थ्री प्लैंक का मास है वो इस तरफ शिफ्ट हो गया माइनस एम बाई थ्री इंटू एक्स, क्यों, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट उसका नेगेटिव है, अपॉन में एम वन प्लस एम टू आएगा जो कि इधर जाएगा जीरो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करें अपन, तो एम से एम हट जाएगा, एल माइनस एक्स यहाँ से आ जाएगा ये माइनस का एक्स बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो एल इक्वल टू आ गया फोर एक्स बाई थ्री, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स इज इक्वल टू आ गया अपने पास थ्री एल बाई फोर, तो जो प्लैंक है वो थ्री एल बाई फोर मूव करेगा। तो फिर मैन जो है रिलेटिव टू ग्राउंड कितना मूव करेगा, मैन रिलेटिव टू ग्राउंड मूव कर रहा है एल माइनस एक्स, क्योंकि प्लैंक ग्राउंड पे है, ओरिजिन को फिक्स मान लें, तो एल माइनस एक्स मूव करेगा, तो एल माइनस थ्री एल बाई फोर विच इज एल बाई फोर, तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, ओके, इन एन इलास्टिक कोलिजन मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैन बी जीरो, ऑल ऑफ द अबव। देखो मोमेंटम कंजर्व रहता है ये भी पता है, इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से लेस भी होता है, द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैन बी जीरो, यस, अगर कंप्लीटली अगर मान लीजिए इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन है तो उस केस में ऐसा होता है, ऑल ऑफ द अबव, इसका मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है सही है इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 5, इफ टू बॉल्स कोलाइड इन एयर व्हाइल मूविंग वर्टिकली देन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड बिकॉज ग्रेविटी डज नॉट अफेक्ट द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो मोमेंटम जो है सिस्टम में चेंज करता है नहीं करता ग्रेविटी, देखो लिटिल बिट करता जरूर है, फोर्स ऑफ द ग्रेविटी इज वेरी लेस कंपेयर टू द इंपल्सिव फोर्स, इंपल्सिव फोर्स इज वेरी लेस देन द ग्रेविटी, ग्रेविटी इज नॉट एक्टिंग ड्यूरिंग द कोलिजन। देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है मोमेंटम में चेंज करता है बट बहुत कम, न के बराबर, ठीक है, तो जो इंपल्सिव फोर्स होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उसका जो इंपैक्ट है वो ज्यादा पड़ता है, वो मोमेंटम में चेंज ज्यादा करता है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज वेरी लेस कंपेयर्ड टू द इंपल्सिव फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 6, द मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज जीरो ओनली इफ द सिस्टम इज मूविंग यूनिफॉर्मली, इज जीरो ओनली इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, इज ऑलवेज जीरो, कैन बी जीरो इन द सर्टेन कंडीशन, ठीक है। देखिए कोई भी सिस्टम है उस सिस्टम का अगर मुझे लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का अगर मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वीसीएम वेक्टर इक्वल्स टू एम वन वी वन वैक्टर प्लस एम टू वी टू वैक्टर एंड सो ऑन अपॉन में कैपिटल एम, दिस वीसीएम, राइट। और अगर इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स हैं इनकी वेलोसिटी अपने पास है और मैं सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मोमेंटम अगर कैलकुलेट करूँ सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, तो देखिए पहला जो पार्टिकल है उसका सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी होगी, वी वन वैक्टर माइनस वी सी एम वैक्टर, क्योंकि सेंटर मास के रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं अपन, तो पहले पार्टिकल की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास वी वन माइनस वी सी एम आ जाएगा, ठीक है, और मोमेंटम चाहिए तो एम वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे सिमिलरली दूसरे पार्टिकल के लिए बात करें तो एम टू वी टू वैक्टर माइनस वी सी एम वैक्टर, करेक्ट, एंड सो ऑन, तो ऐसे चलता रहेगा, और अपॉन में या सॉरी टोटल मोमेंटम आ जाएगा ये, है ना, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास सिस्टम का। और इसको अगर अपन देखें यहाँ पर तो m1 v1 m2 v2 ये टर्म आ रही है यहाँ पर, तो m1 v1 m2 v2 की बात करें तो सबका जो सम आएगा वो देखो m into vcm के बराबर आ गया, तो m into vcm के इक्वल आ जाएगा, और माइनस यहाँ देखिए m1 vcm m2 vcm m3 vcm, तो माइनस m1 plus m2 plus m3, तो इनको अगर कंबाइन कर दें टोटल मास आ जाएगा m और बाहर आ जाएगा vcm वेक्टर, तो m vcm वेक्टर m vcm वेक्टर कैंसिल आउट हो गया इज इक्वल टू कितना आया जीरो वेक्टर आ गया, सो इज ऑलवेज जीरो इसका जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आइए क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4r टू स्मॉल डिस्क्स ऑफ रेडियस r आर कट ऑफ, सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यू स्ट्रक्चर विल बी एट, तो इसमें से दो r रेडियस की जो डिस्क है छोटी वाली इनको हटा दिया हमने, और अब अपन से पूछे सेंटर ऑफ मास कहाँ पे शिफ्ट होगा, तो इतना तो कंफर्म है कि इन दोनों के कारण सेंटर ऑफ मास जो है इस बॉडी का वो कहीं ना कहीं यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट की बात करें अगर अपन, ओके, तो कंप्लीट सिस्टम अगर हमें दे रखा है, ठीक है, कंप्लीट बॉडी अगर हमें गिवन हो तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है कंप्लीट बॉडी का इस पूरी डिस्क का कितना आएगा, सेंटर पे आएगा, रिमेनिंग पार्ट जो है इसका मास कितना होगा,
इसका मास अपन आसानी से फाइंड कर सकते हैं, मास जो है वो एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर मास डेंसिटी मैं क्या करता हूँ, सिग्मा मान लेता हूँ। तो पूरी डिस्क, कंप्लीट डिस्क की अगर मैं बात करूँ, सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली ओरिजिन पे होगा, तो जीरो वेक्टर आएगा इज इक्वल टू। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो हटाएं वो मैं वापस यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। तो इस वाले पार्ट की बात करें अपन, इस वाले को जो हटाया वापस अटैच कर दो यहाँ पर, इसका मास कितना आएगा, सिग्मा इंटू में पाई आर स्क्वायर मास आ गया, और इंटू में इसका पोजिशन वैक्टर कितना आएगा, थ्री आर आई कैप। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसके सेंटर की 3r है, टोटल 4r है, r 4r में से r सबट्रैक्ट कर दो 3r आ जाएगा। ऐसे ऊपर वाली जो डिस्क है इसका मास कितना आएगा, सिग्मा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। m1 r1 वेक्टर लिखा मैंने अभी, अब m2 r2 वेक्टर है, सिग्मा पाई आर स्क्वायर अगेन उसका कितना आएगा, 3r j कैप, j कैप ऊपर की तरफ है ना, इसलिए प्लस। रिमेनिंग पार्ट जो है उसका मास कितना आएगा, रिमेनिंग पार्ट की अगर अपन बात करें यहां पर, कंप्लीट डिस्क का जो भी मास है उसमें से दोनों इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कंप्लीट डिस्क का मास कितना आएगा, कंप्लीट डिस्क का मास आएगा सिग्मा इंटू में पाई फोर आर का स्क्वायर, सिग्मा इंटू में पाई फोर आर का स्क्वायर विच इज 16 आर स्क्वायर, है ना, माइनस। और इन दोनों छोटे वाले डिस्क का मास कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो डायरेक्टली, तो पाई आर स्क्वायर टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो वैसे ही कॉमन ले चुका हूँ, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पर, सॉरी टू आर स्क्वायर यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, पाई ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूँ। यहाँ जाएगा आर वेक्टर, जो रिमेनिंग पार्ट है उसका सेंटर मास का पोजिशन वेक्टर आ गया, अपॉन में नेट मास आ जाएगा कैपिटल एम, इधर ले जाओ ये तो जीरो हो गया। अब यहाँ से देखो पाई आर स्क्वायर सिग्मा, पाई आर स्क्वायर सिग्मा ये हट गया, यहाँ से भी देखो पाई सिग्मा आर स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, 16 माइनस 2 ये 14 बचेगा, तो ये दोनों इस तरफ आ जाएंगे, तो माइनस का 3r i कैप माइनस का 3r j कैप अपॉन में 14 आ गया, सॉरी 14, तो ये आ जाएगा अपने पास r वेक्टर। तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है यहाँ पर वो अपने पास आ चुका है, माइनस का 3r i कैप माइनस का 3r j कैप अपॉन में 14, ऐसा कहीं पे भी नहीं मिल रहा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। A bullet of mass m hits a target of mass capital M hanging by a string and gets embedded in it. If the block rises to height h as a result of this collision, the velocity of the bullet before collision is. देखो inelastic, perfect inelastic collision है, bullet hit करती है m mass को, ठीक है? Velocity let's say v है, तो v velocity से अगर वो hit करता है, तो initial momentum कितना आएगा mv, ठीक है? दोनों combined होके चलेंगे m plus small m v dash, so v dash is equal to अपने पास आ गया mv upon में m plus small m. ये वेलोसिटी आ गई। अब दोनों जो सिस्टम है दोनों साथ जाएंगे, एच हाइट तक राइज होंगे, ठीक है, एमईसी से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो वी डैश अगर अपने पास है तो वी डैश डेफिनेटली किसके बराबर होना चाहिए, अंडर रूट में 2gh होना चाहिए, है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आप आफ्टर कोलिजन लगा सकते हो, ठीक है। तो यहां से स्पीड वी डैश है, पूरे सिस्टम का मास मान लीजिए एम डैश है, तो हाफ एम डैश वी डैश स्क्वायर, और एच हाइट पे चला जाता है, तो एम डैश इंटू जी इंटू एच, एम डैश कट जाएगा, वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू जो है वो 2gh के बराबर आ जाएगा, v' = अंडर रूट 2gh आ जाएगा। तो यहां से v' की मैं वैल्यू रख सकता हूं अंडर रूट 2gh, और v की वैल्यू हमसे पूछी है यहां पर, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, v = कितना है यहां पर, m + स्मॉल m / स्मॉल m, और इनटू में आ जाएगा अंडर रूट 2gh। तो इस ऑप्शन को अगर हम देखें यहां पर, तो हमें कौन सा ऑप्शन यहां पर फाइनली मिलेगा, थर्ड ऑप्शन जो है फाइनल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9। ए रॉकेट ऑफ मास m नॉट हैज अटेंड ए स्पीड इक्वल टू इट्स एग्जॉस्ट स्पीड एंड एट दैट टाइम द मास ऑफ द रॉकेट इज m, देन द रेशियो m नॉट बाय m इज, ठीक है, m नॉट बाय m की वैल्यू पूछी है। देखो ग्रेविटी को इग्नोर करना है यहां पर, तो रॉकेट जो स्पीड अचीव करता है विच इज v इज इक्वल टू vr, vr क्या है, एग्जॉस्ट स्पीड है, राइट, गैसेस की स्पीड होती है रॉकेट के रिस्पेक्ट में, vr ln m नॉट बाय m, है ना, m नॉट इनिशियल मास होता है और m किसी इंस्टेंट पे मास जब स्पीड इसकी v है। ये कह रहा है v और vr दोनों इक्वल हो गए, तो अगर ये v और vr इक्वल हो जाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू 1 आएगी, और वैल्यू अगर 1 है दैट मींस इसकी वैल्यू जो है वो e के इक्वल हो जाएगी, है ना, e, तो m नॉट बाय m की जो वैल्यू है वो e के इक्वल है, और e की वैल्यू आप जानते हो 2.7 समथिंग होती है, तो इसमें ऑप्शन जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 10। A particle of mass 4m which is at rest explodes into 4 equal fragments. 4m का मास था, रेस्ट में था, मोमेंटम जीरो था, एक्सप्लोजन हुआ,
और चार बराबर पार्ट में टूट गया. ऑल फोर फ्रेगमेंट्स स्कैटर्ड इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन. थ्री फ्रेगमेंट्स आर फाउंड टू मूव विद वेलोसिटी वीएस इन द फिगर. द टोटल एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस. देखिए, तीन तो अपन को यहां पे दे रखे, चौथे का पता नहीं है, लेकिन चौथे का हम पता कर सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट लगा करके, क्योंकि मोमेंटम तो जीरो है ना सिस्टम का. तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये मास m है, ये भी मास m है, ये भी मास m है, तो इन दोनों का अगर मोमेंटम देखें तो एम वी तो रूट टू एम वी इस तरफ आएगा, और इस वाले का एम वी इधर आ रहा है. इसका मतलब इनका जो इफेक्टिव जो मोमेंटम आया वो कितना आ जाएगा, रूट टू माइनस वन इंटू एम वी. सही है, ये मोमेंटम इन दोनों का इफेक्टिवली आया. और जो चौथा पार्टिकल है उसका मोमेंटम इसको बैलेंस करेगा, तब जाके नेट मोमेंटम क्या आएगा, जीरो आएगा. तो उसका इसके बराबर कर दो एम वी डैश, मास तो सेम ही है सबका, एम से एम कैंसिल आउट हो, तो चौथे पार्टिकल की जो स्पीड आई ना रूट टू माइनस वन इंटू वी के इक्वल आएगी. ओके, तो ये स्पीड हमने कैलकुलेट कर ली यहां पर. अब ये पूछा है कि टोटल एनर्जी इसमें कितनी रिलीज हुई है, तो ऑब्वियसली टोटल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है, तो काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है यहां पर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो तीन पार्टिकल नजर आ रहे हैं यहां पर सबकी स्पीड वी है, इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी थ्री टाइम्स वन बाई टू एम वी स्क्वायर है ना, इन तीनों की तो आ चुकी है यहां पर, प्लस जो फोर्थ पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ एम, और उसकी स्पीड है रूट टू माइनस वन का, रूट टू माइनस वन इंटू वी. सो रूट टू माइनस वन इंटू वी का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायरिंग कर दो. यहां से अगर हम देखें तो एम वी स्क्वायर बाई टू, एम वी स्क्वायर बाई टू कॉमन आ गया, देखो यहां कितना बचेगा, थ्री प्लस इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो टू प्लस वन माइनस टू रूट टू, ये तीन दो पांच और एक छह हो जाएगा, छह माइनस टू रूट टू, टू से काट दो तो एम वी स्क्वायर यहां जाएगा थ्री माइनस रूट टू. सो एम वी स्क्वायर थ्री माइनस रूट टू जो है इसका वो करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. Two bars of masses m1 and m2 connected by a weightless spring of stiffness k rest on a smooth horizontal plane. Bar 2 is shifted by a small distance x0 to the left and released. The velocity of the center of mass of the system when bar 1 breaks off the wall is. तो इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछी, तो जब ये जो ब्लॉक 1 है ये इस दीवार से हटेगा, तो इसमें क्या दे रखा है अपन को, m2 को हल्का सा स्लाइटली शिफ्ट किया x0 एंड देन रिलीज कर दिया. तो रिलीज करेंगे तो क्या होगा, ये x0 वापस इधर आएगा, कुछ ना कुछ स्पीड गेन कर लेगा मान लीजिए, और m1 तो मूव ही नहीं कर सकता जब तक ये स्प्रिंग कंप्रेस दे, तो दबाओगे इसको एंड देन फिर ये वापस आएगा, और वापस जब इस पोजीशन पे आएगा तो ये स्पीड v गेन कर लेगा. तो v की वैल्यू कितनी आएगी, तो जब इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी स्प्रिंग के अंदर जब ये कंप्रेस्ड है, उसको हम लिखेंगे हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर से, और जब ये वापस यहां तक आएगा तो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, हाफ एम टू वी स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हुआ, वी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है के बाय एम टू का अंडर रूट इन टू में एक्स नॉट. ठीक है, ये वेलोसिटी आ गई किसकी, बार बार टू की, राइट, वेलोसिटी आ चुकी है. अब जब v इसके पास है तो इसके सेंटर ऑफ मास की, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की स्पीड अपन से पूछी है. सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होती है, m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2. तो m1 की तो जीरो ही है, m1 तो अब हटेगा ना, तो m1 की तो जीरो ही है स्पीड, तो उसके लिए तो m1 into v1 जीरो आ गया. दूसरे के लिए बात करें m2 into v2, v2 के लिए अपने पास कितनी है, अंडर रूट k बाय m2 into x0 अपॉन में m1 plus m2, बस खत्म. ये सेंटर ऑफ मास की स्पीड आ जाएगी, m2 रूट m2 से रूट m2 कट जाएगा, तो वैल्यू आएगी k अंडर रूट में k m2 और x0 अपॉन में m1 प्लस m2, अंडर रूट में k m2 x0 अपॉन में m1 प्लस m2. देखो इसमें सेकंड ऑप्शन जो है वो पूरी तरह से मैच कर रहा है, और कहीं पे भी ऐसा कुछ है नहीं, तो ये एकदम परफेक्ट जो है इसका आंसर जो है हम कह सकते हैं. ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, ये m1 प्लस m2 है यहाँ पर, डिवाइड में ये नहीं होगा, सेकंड हो जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें. Center of mass of a non-uniform rod of length L, whose mass per unit length varies as rho equals to kx square by L, where k is a constant, x is the distance of any point from one end is from the same end. Okay, तो same end से हमें center of mass की distance हमसे पूछी है, center of mass की distance कितनी होनी चाहिए. तो देखो ये rod है, इस end से x distance पे अगर हम बात करें, mass density की value अपन को given है ना, unit length का जो mass है वो given है. तो इस मास को मैं लिख देता हूँ dm, स्मॉल एलिमेंट जो लिया और इसकी जो लेंथ है वो dx मैंने कंसीडर कर ली, तो dm बराबर कितना आएगा, लैम्डा या रो इनटू dx, व्हिच इज kx स्क्वायर अपॉन में l इनटू dx, ये आ गया मास. तो अब सेंटर ऑफ मास की इस पोजीशन से, मतलब इस एंड से पोजीशन क्या होगी, xm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm इनटू x अपॉन में इंटीग्रेशन dm, प्रॉपर लिमिट लगा देंगे अपन. यहां वैल्यू बताओ कितनी आएगी, dm की वैल्यू कितनी होगी, kx स्क्वायर बाय l
dx, और x भी ऑलरेडी, तो x क्यूब हो जाएगा इंटू dx, और डिवाइड में कितना आएगा dm का इंटीग्रेशन केवल k x स्क्वायर अपॉन में l dx, लिमिट लगा देंगे 0 से l तक, इसमें भी 0 से l तक, k बाय l कट जाएगा कॉमन ले आओ, x क्यूब आया यहाँ पर, x क्यूब को अपन इंटीग्रेट करें तो x की पावर 3 बाय सॉरी x की पावर 4 बाय 4 l है, तो l की पावर 4 बाय 4 आ गया, डिवाइड में देखें x क्यूब x स्क्वायर है तो x क्यूब बाय 3, तो ये आ जाएगा l क्यूब बाय 3, 3 ऊपर चला गया, l क्यूब से l क्यूब कट जाएगा, देन वैल्यू कितनी आ जाएगी 3l बाय 4, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बॉल ए ऑफ मास 5 केजी मूविंग एट 20 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स विद अनदर बॉल बी ऑफ अननोन मास मूविंग एट 10 मीटर पर सेकंड द सेम डायरेक्शन, ठीक है, तो 5 केजी की बॉल है ए, इसका मास हमें पता नहीं है, इसकी स्पीड है जी 20 और बी की जो स्पीड है वो है अपने पास 10, सेम डायरेक्शन जा रहे हैं। आफ्टर द कोलिजन बॉल ए मूव्स एट 10 मीटर पर सेकंड स्पीड एंड बॉल बी मूव्स एट 50 मीटर पर सेकंड, बॉल ए की स्पीड हो जाती है कितनी 10 और बॉल बी जो है उसकी स्पीड हो जाती है 15, ठीक है, इसके पास 10 आ गई, इसके पास 15 आ गई, बोथ स्टिल इन द सेम डायरेक्शन, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल बी, बॉल बी का मास हमसे पूछा, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा हो, तो यहाँ पर मोमेंटम देखें तो कोलिजन मोमेंटम कंजर्व रहेगा ना, तो इनिशियल मोमेंटम कितना आएगा 20 × 5, तो ये 100 आ गया, ठीक है, इसका मोमेंटम कितना आया 10 × m, बाद में देखें तो ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 15 × m, ठीक है 15 m आ जाएगा ये। चलिए अब इसको देख लें, 100 माइनस 50 कितना आ जाएगा 50, और ये आ जाएगा 15 माइनस 10 मतलब 5 m, m से कट करें तो कितना आएगा 10, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या जाएगा सेकंड ऑप्शन 10 kg, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आइए मैक्सिमम एक्सेलरेशन ब्लॉक ए आफ्टर इट्स कोलिजन विद ब्लॉक बी हैज मैग्नीट्यूड इज द कोलिजन टू बी इलास्टिक एंड द स्प्रिंग इज इनिशियली रिलैक्स्ड, ए का मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है, ए का मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा है कोलिजन के बाद में, आफ्टर कोलिजन, राइट, कोलिजन के ड्यूरेशन में तो होता ही है ऑब्वियसली, इंपल्सिव फोर्स लगता है, लेकिन कोलिजन के बाद में पूछा अपन से कितना होना चाहिए, तो देखो इलास्टिक कोलिजन है इन दोनों की, है ना, इलास्टिक कोलिजन है और मास सेम है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, तो अगर ये वी स्पीड से साथ कोलिजन करेगा तो ऑब्वियसली कोलिजन के बाद में ब्लॉक ए की स्पीड भी कितनी हो जाएगी, वी हो जाएगी। अब ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, जितना ज्यादा स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा स्प्रिंग फोर्स उतना लगेगा, स्प्रिंग फोर्स जितना ज्यादा होगा एक्सेलरेशन भी क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा, तो यहाँ वी स्पीड इसने गेन की, तो अब मैं ये यहाँ सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा कि इस ब्लॉक का मैक्सिमम कंप्रेशन कितना है, स्प्रिंग स्प्रिंग के ऊपर मैक्सिमम कंप्रेशन कितना है, तो स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन लेट्स से एक्स नोट है, तो हाफ के एक्स नोट स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी स्प्रिंग में, किससे आई, इस ऑब्जेक्ट से आई, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी सेम इंटरचेंज हो जाएगी ना, यहाँ पर हाफ से हाफ कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से अपने पास एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आई एम बाई के वी स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा एम बाई के का अंडर रूट इंटू वी, ये एक्स नॉट आ गया, तो जब स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी के एक्स नॉट मतलब, और इसमें अगर एम को डिवाइड कर दूं तो अपने पास एक्सेलरेशन आ जाएगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन, सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज के एक्स नॉट बाई एम, के बाई एम इंटू एक्स नॉट, एक्स नॉट की वैल्यू अंडर रूट एम बाई के इंटू वी, सो वी हैव ये अंडर रूट के ऊपर आ गया, अंडर रूट एम नीचे आ गया, तो अंडर रूट के बाय एम इंटू वी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास एम मूविंग अलोंग ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस स्ट्राइक्स अनदर यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास 2 kg 2 m इनिशियल एट रेस्ट हेड ऑन कोलिजन हो रही है, इफ लॉस इन के ई ऑफ फर्स्ट स्फीयर इज मैक्सिमम देन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज, ये कह रहा है कि बॉल फर्स्ट की जो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस है या जो चेंज है वो सबसे ज्यादा है, तो सीधी सी बात है पहले अगर मान लो कि ये यू स्पीड से मूव कर रहा है और बाद में इसके पास स्पीड ही नहीं रहे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए तो वही तो मैक्सिमम चेंज होगा, तो इनिशियल ये कंडीशन है और ये रेस्ट में है, आफ्टर कोलिजन क्या होगा ये वाला तो रेस्ट में आ जाएगा और 2m जो मास है ना ये लेट से v वेलोसिटी से मूव करने लग गया, तो इसी केस में ही तो मैक्सिमम लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी में, किसके m की काइनेटिक एनर्जी में, सिस्टम के होने का जरूरी नहीं है लेकिन इस वाले फर्स्ट बॉल की काइनेटिक एनर्जी जो है ना उसमें लॉस मैक्सिमम है, क्लियर। तो यहां देखें अपन मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं, मोमेंटम कंजर्वेशन अगर लगाएं तो यहां से आ जाएगा m इंटू यू, इसका तो जीरो है, इसका अब जीरो हो जाएगा, 2m into v आ गया, m से m कैंसिल आउट हुआ, v की वैल्यू आ गई u by 2, v बराबर u by 2, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e क्या होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, वो आ जाएगा v माइनस जीरो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना आएगा u माइनस जीरो,
और v की वैल्यू कितनी है, u बाई टू है, ये u बाई टू यहाँ रखोगे तो u बाई टू कितना आ जाएगा, 1 बाई टू। तो e की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 0.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। स्टेटमेंट फर्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ टू पार्टिकल्स अंडरगोइंग हेड ऑन कोलिजन इज शोन इन द फिगर। इफ कोलिजन इज इन इलास्टिक देन वैल्यू ऑफ y मस्ट बी लेस देन x। y की वैल्यू x से लेस होनी चाहिए। देखो एक चीज है इसमें, सेम डायरेक्शन में ही हो रही है क्योंकि ग्राफ से यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है अपन को। v1 जो है पहले वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, ठीक है, v2 दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो बिफोर कोलिजन v1 ज्यादा v2 से, ठीक है, कोलिजन हुई, कोलिजन होने के बाद अब देखो v1 तो कम हो गया, मतलब पहले वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो कम हो चुकी है, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा हो चुकी है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करें ना अपन, सेम डायरेक्शन में है तो ये इनमें सब्ट्रैक्शन अगर करेंगे तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आएगा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करें, इनमें जो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वाई जो है, ठीक है, अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो ये कंफर्म है वाई की जो वैल्यू वो एक्स के कंपेटिवली क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से कम हो जाता है क्योंकि ई की वैल्यू जो है वो वन से लेस होती है, राइट। तो ये चीज है, तो इफ कोलिजन इज इनइलास्टिक देन वैल्यू ऑफ वाई मस्ट बी लेस देन एक्स, तो ये सही है। और रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन बता रखी है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये तो इनकरेक्ट है ना, है ना, इसका उल्टा होता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट टू जो है वो फॉल्स है। तो फर्स्ट वाला ट्रू है और सेकेंड वाला फॉल्स है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आइए, ए हाईली इलास्टिक बॉल मूविंग एट स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड अप्रोचेस ए बॉल मूविंग टुवर्ड्स इट विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड फिगर। आफ्टर द कोलिजन द स्पीड ऑफ द बॉल विल बी। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, कोलिजन कैसी है पहली बात, तो कोलिजन है इलास्टिक, हाई इलास्टिक बॉल दे रखा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो बिफोर कोलिजन तो ये सीन है, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, दीवार की स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन बॉल जो है किसी ना किसी स्पीड से मूव करेगी। तो चलो लगाते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करें तो कितना आ जाएगा, 3 इधर 3 इधर, अपोजिट है ना, 3 एंड 3 6 हो गया। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, v इस तरफ है 3 इधर है, वेलोसिटी सेपरेशन कितना है v माइनस 3, तो v माइनस 3 इक्वल्स टू 6, v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इसका आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। 18th, a ball is of mass m strikes a smooth ground at an angle alpha shown the figure and is deflected at an angle beta, the coefficient of restitution will be। e की वैल्यू पूछिए, बहुत काफी फेमस क्वेश्चन है ये। देखिए अगर अल्फा एंगल से आता है और बीटा ऐसे जा रहा है ना और स्मूथ सरफेस है, तो उस केस में टेन बीटा की वैल्यू होती है टेन अल्फा अपॉन में ई। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। इलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू वन होती है, अल्फा एंड बीटा इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां से ई की वैल्यू कितनी है, टेन अल्फा बाय टेन बीटा, खत्म। नाइनटीन, ए बॉल ऑफ मास एम हिट्स द फ्लोर विद ए स्पीड ऑफ वी मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री with the normal to the floor, if the coefficient of restitution e equals to 1 by root 2, then the speed of the reflected ball and the angle of reflection are। अभी भी just question हमने किया था discuss, ठीक है, same concept पर based है और काफी आसान है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं speed की, ठीक है, speed इसमें different different है, देखिए तो speed calculate करनी पड़ेगी, बाकी angle तो बहुत ही आसान था, अभी भी हमने जैसे solve किया था, 10 beta equals to 10 alpha upon में e था, 10 alpha 10 45 है, 10 45 के लिए 1 हो जाएगी, upon में e की value 1 by root 2, root 2 पर आ जाएगा। तो 10 बीटा इक्वल्स टू रूट टू, देन बीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स रूट टू, तो 10 इनवर्स रूट टू तो आएगा, इसका मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ जो है वो ऑप्शन जो है करेक्ट होने चाहिए। लेकिन इसमें v की वैल्यू अपन से पूछिए, v कितना होगा, देखिए इधर जब पार्टिकल मूव कर रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से ये एंगल जो है सपोज थीटा है या अल्फा मान लिया आपने, फिर देन बीटा एंगल से रिफ्लेक्ट होता है, वेलोसिटी v है, इस तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो इसकी जो स्पीड है उसमें कोई बदलाव नहीं आता, कारण उसका क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता क्योंकि सरफेस स्मूथ है ना, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी सेम रहती है। तो अगर ये वाला अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा आएगा यहाँ पर, तो ये वी साइन अल्फा हो जाएगा इस तरफ, तो वी साइन अल्फा एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। लेकिन वी कॉस अल्फा की अगर अपन बात करें वो ई टाइम्स चेंज होगा, मतलब अगर वी कॉस अल्फा से स्ट्राइक करता है ना तो ई टाइम्स ऑफ वी कॉस अल्फा से ये जंप करेगा, तो ई वी कॉस अल्फा जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। अब इन दोनों का रिजल्ट निकाल लो, खेल खत्म। तो इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, सम करके अंडर रूट कर दो, तो वी तो वैसे भी बाहर आ जाना है, अंडर रूट में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ई स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, वी अंडर रूट में साइन अल्फा 45 है, साइन 45 1 बाय रूट 2 होता है, तो 1 बाय 2 हो गया ये, प्लस ई की वैल्यू कितनी है 1 बाय रूट 2, ये भी 1 बाय रूट 2 होगा, 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 1 बाय 2 हो गया, स्क्वायरिंग करोगे तो 1 बाय 4
फोर आ गया ये, तो यहाँ से वन बाई टू एंड वन बाई फोर कितना आ जाएगा, थ्री बाई फोर आ गया, थ्री बाई फोर का अंडररूट अगर हम करें तो वैल्यू आएगी थ्री वी बाई टू, तो थ्री वी बाई टू एंड टेन इनवर्स रूट टू इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट 20. Ball of mass m moving vertically down collides with inclined surface of wedge. After the collision, wedge starts moving in the horizontal direction with velocity v naught. If all the surfaces are smooth, then the impulsive force provided by the wedge to the ball in is given by. Okay? तो देखो, ball जब ये strike करेगी किस पर? Inclined plane पर. ठीक है? तो ball इस inclined plane को impulse provide करेगी जे. Same impulse इस ball को भी provide करेगा wedge कौन? Ball पे. अब जे इसको प्रोवाइड हुआ इंक्लाइन प्लेन को, तो हमसे जे ही पूछा है. अब ये वाला एंगल यहां पर थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा यहां पर. ठीक है, ये 90 माइनस थीटा आ गया, तो जो जे है, जे का ये वाला जो कंपोनेंट आएगा विच इज जे कोस 90 माइनस थीटा विच इज साइन थीटा. सो जे साइन थीटा इंपल्स जो है इस वेज को इस डायरेक्शन मिलेगा, तो इस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम के बराबर कर देंगे, क्योंकि इंपल्स जो लगेगा वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा यहाँ पर. तो इस वेज का मास कैपिटल एम है एंड आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वी नॉट अपन को दे रखी है इसने क्वेश्चन के अंदर, तो एम इनटू वी नॉट और इनिशियल कितनी थी, जीरो थी. सो जे इक्वल्स टू एम वी नॉट बाय साइन थीटा, और जे कौन प्रोवाइड कर रहा है, बोल वेज को या वेज बोल को, तो एम वी नॉट अपॉन साइन थीटा जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 21 पे प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन प्रोजेक्टाइल एंड द ग्राउंड इज ए. Let A, B and C be the ratio of the time of flight, maximum height and the horizontal range in the first two collisions with the ground then. ठीक है, ये पूछा है अपन से. तो देखो, अगर हम किसी projectile को throw करते हैं तो पहली collision यहाँ पे भी, फिर दूसरी collision यहाँ पे भी, तो इस दौरान अपन से पूछा है कि time of flight जो है उसका ratio A है दोनों में. ठीक है, maximum height का ratio क्या है, B है, और C क्या है, horizontal range का ratio है. देखो, maximum height जो होती है वो vertical component पे depend करती है, u y पे. तो मैक्सिमम हाइट जो है एच मैक्स, इसको लिख सकते हैं अपन यू वाई स्क्वायर बाय 2g. और अपन को ये भी पता है कि जब ये पार्टिकल स्ट्राइक करेगा ग्राउंड में, ग्राउंड पर, तो ई टाइम्स ऑफ यू वाई से ये वापस जम करेगा. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आना, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो केवल वर्टिकल जो कंपोनेंट है उसमें चेंज आएगा. तो अगर मैं इनिशियली यहाँ पर देखूँ ना, तो एच मैक्स ये आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूँ तो टी इक्वल टू आएगा 2uy/g, है ना. और रेंज की बात करें, रेंज क्या होता है, रेंज होता है यू एक्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू में टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट. ओके, तो आप ये देखो, सबसे पहले वाले केस में बात करें तो ये सारी वैल्यू आ जाएंगी. दूसरी वाली कोलिजन की बात करें ना, तो दूसरी वाली कोलिजन में इस वाले पार्ट की बात करें तो इसमें यू वाई कितना हो जाएगा, ई टाइम्स ऑफ यू, तो यू वाई ई टाइम्स ऑफ यू वाई हो जाएगा. तो टी वन बाई टी टू जो है ना, उसमें फर्क जी में तो आने वाला है नहीं, तो वन अपॉन जो है वो ई आ जाएगा. एच मैक्स की बात करें तो ई टाइम्स ऑफ यू वाई होगा, तो स्क्वेयरिंग होगी, तो वन अपॉन ये ई स्क्वायर आ जाएगा, एच वन बाई एच टू. और रेंज की बात करें अगर अपन, तो यू एक्स में बदलाव आना नहीं है, टी में ही चेंज आएंगे, और टी यू वाई के प्रोपोर्शनल है, तो जो टी में जो रेशियो वही सेम रेशियो आर में आ जाएगा, तो आर वन बाई आर टू जो है वो आ जाएगा वन अपॉन ई. तो इस तरीके से अपन जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसमें सारे के सारे देखो सही हैं, तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा. 22. Eight point objects each of mass capital M are at vertices of a rigid massless framework in the form of a cube, each side of length A. What is the moment of inertia of this arrangement about an axis passing through one edge of the cube? तो इस वाली edge के about अपन को पूछा है moment of inertia कितना होता है. देखिए, काफी आसान है. इस mass का और इस mass का moment of inertia zero हो जाएगा, क्योंकि इसी axis पे लाई कर रहे हैं. इस मास की बात करें, इस वाले की बात करें, इस वाले की बात करें और इस वाले की बात करें, इनकी जो डिस्टेंस है ना एक्सिस से परपेंडिकुलर, वो ए के इक्वल है. तो ये चार ऑब्जेक्ट हैं, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, 4m इनटू ए स्क्वायर, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है ना, प्लस अब ये वाला मास लो और ये वाला मास लो, इनकी जो डिस्टेंस है ना परपेंडिकुलर, ये रूट टू ए होगी, इसकी भी रूट टू ए होगी, इनका कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ m, और रूट टू ए का स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर, है ना. तो 2 इंटू टू 4, 4 प्लस 4, 8 एम ए स्क्वायर जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें. 23. ए हीप ऑफ रोप विद मास डेंसिटी लैम्डा पर यूनिट लेंथ लाइज ऑन ए टेबल. यू ग्रैब वन एंड एंड पुल हॉरिजॉन्टली विद कांस्टेंट स्पीड वी, एज शोन इन द फिगर. अज्यूम दैट द रोप हैज नो फ्रिक्शन विद इटसेल्फ इन द हीप. द फोर्स दैट यू मस्ट अप्लाई टू मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड वी इज. सीधी सी बात है, आप इसको इस तरफ पुल कर रहे हो, ठीक है,
यहां से जो हीप है जो रोप का है ना गुच्छा जो बना हुआ है, तो रोप यहां से ऐड होती जाएगी। तो स्मॉल टाइम डीटी के अंदर डीएम मास का जो पार्ट है वो इस रोप के अंदर ऐड हुआ। इनिशियली वो रेस्ट में था और जैसे ही रोप का पार्ट बना वो तो वो वी स्पीड से मूव करने लग गया। तो सीधी सी बात है सिस्टम के मोमेंटम में चेंज क्या आएगा, जो रोप जो पार्ट अपन पुल कर रहे हैं उसके मोमेंटम में चेंज कितना आएगा, ऑब्वियसली डीएम इंटू वी आएगा। जो पार्ट पहले रेस्ट में था वही तो यहाँ पर वी स्पीड गेन की उसने, तो मोमेंटम में चेंज इतना आया। बाई डी टी कर दें तो ये लगने वाला फोर्स आ जाएगा। डीएम की बात करें तो डीएम मास जो इसके साथ अटैच हुआ है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, लैमडा इंटू डी एक्स, डी एक्स लेंथ जो ये फर्दर मूव करता है, तो लैमडा इंटू डी एक्स, डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, तो वी इंटू वी वी स्क्वायर आ जाएगा। तो लैमडा वी स्क्वायर अपन को जो है वो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। वो फोर्स ये जो है वो हीप जो है ना या जो रस्सी है वो इस तरफ लगाएगी, तो आपको इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो सेकेंड ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर यूनिफॉर्म लेमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू लेमिना एंड पासिंग थ्रू सेंटर इज आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लेमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द लेमिना एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट पी इज 2i, लोकस ऑफ सच पॉइंट इज ए। तो पॉइंट पी जो है उसके लोकस को पता करना है अपन को, लोकस क्या होंगे ना, वो प्लेन पे ही लाई कर रहा है लोकस जो पॉइंट पी है सॉरी। तो पैरल एक्सिस थ्योरम लगेगा, सी जो सेंटर ऑफ मास है इसका, सेंटर ही हुआ, तो आई सी है ना, स्क्वायर लेमिना यूनिफॉर्म लेमिना है और उसका सेंटर तो सेंटर ऑफ मास ही हुआ। तो पी पॉइंट के लिए अगर मैं बात करूं तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा या आई डैश इक्वल टू आ जाएगा, एक तो आई आएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, डी जो है इनके बीच की ये वाली डिस्टेंस है। तो आई डैश की वैल्यू 2i डेफिनेटली हो सकती है दूसरे पॉइंट पर भी, लेकिन ये ध्यान रखना है मास तो इसका फिक्स है, डी फिक्स होना चाहिए मतलब डी कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, और कॉन्स्टेंट डी के लिए पी को इसी पाथ पे रखना पड़ेगा अपन को। तो सर्कल ही हो सकता है, सर्कल के अगर अपन सर्कमफ्रेंस में देखें अपन, ठीक है, तो हर पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो सेंटर से डी के इक्वल होगी, तो ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेम आ सकता है, लोकस क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 25th, टू कोसेंट्रिक रिंग्स ईच ऑफ रेडियस आर एंड मास एम आर जॉइंट टुगेदर सच दैट देयर प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्सिस ए डैश इज, ए डैश एक्सिस आपको नजर आ रही होगी यहाँ पर, और ए डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये रिंग जो है इसका तो एक ए डैश जो है वो डायमीटर हो जाएगा, तो रिंग का एक्सिस के अबाउट होता है एम आर स्क्वायर, डायमीटर के अबाउट कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई टू, आधा हो गया। और ये वाली जो रिंग है इसके लिए एक्सिस है ए डैश, है ना, इस वाली रिंग के लिए, इसके लिए आ जाएगा एम आर स्क्वायर, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हैं लेकिन प्लेन जो है वो सेम नहीं है दोनों का। एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा, 3/2 एम आर स्क्वायर, मतलब सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले, यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट हैज ए स्मॉल क्यू ऑफ ए स्क्वायर शेप रिमूव्ड एंड ग्लू टू द अदर कॉर्नर ऑफ द प्लेट एज शोन इन द फिगर, चूज करेक्ट स्टेटमेंट। तो एक स्क्वायर प्लेट है और इससे आपने क्या किया, छोटा सा एक जो पार्ट था ये वाला, ये पार्ट यहां से हटाया और यहां अटैच कर दिया, ठीक है, यहां अटैच कर दिया हमने। पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस विल चेंज, इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जेड एक्सिस आपको नजर आ रही है ये वाली है। तो जेड एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सीधी सी बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास का डिस्ट्रीब्यूशन का इफेक्ट पड़ना चाहिए, अगर वो नहीं पड़ रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। स्क्वायर लेमिना है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी होगा मान लो आई है, अब इसमें से डीएम मास जो आपने हटाया है वो डीएम मास अगर आप इस एक्सिस से देखो, इस एक्सिस देखो तो ये डिस्टेंस आएगी परपेंडिकुलर, और अब देखो तो इधर की तरफ आ रही है, तो डायरेक्शन पे तो डिपेंड करता ही नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए, इधर देखो सेम ही तो है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई बदलाव नहीं आने वाला जेड एक्सिस के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस विल नॉट चेंज। तो ये कह रहा चेंज होगा फर्स्ट में तो ये तो गलत हो गया, विल नॉट चेंज सही है। सेंटर मास ऑफ सिस्टम विल नॉट चेंज, सेंटर मास ऑब्वियसली चेंज होगा, इस मास को आपने यहां शिफ्ट किया तो सेंटर मास तो डेफिनेटली अब इस वाले पॉइंट पर नहीं रहने वाला, ये चेंज होगा, विल नॉट चेंज मतलब गलत हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस विल चेंज, एक्स एक्सिस के अबाउट भी देखें अपन तो ये स्क्वायर लेमिना है, मास पहले यहां था अब यहां अटैच कर दिया, अगेन डिस्टेंस तो इस एक्सिस परपेंडिकुलर ये वाली हुई नहीं हुई, तो इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क पड़ा नहीं है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे बात करें तो, इसका मतलब ये भी चेंज नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। इसमें करेक्ट ऑप्शन फिर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चले, 27, टू आइडेंटिकल होलोस्फीयर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर आर जॉइंट टुगेदर एंड द कॉम्बिनेशन इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट टू द वन स्फीयर एंड परपेंडिकुलर द लाइन कनेक्टिंग देम, द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस स्फीयर की बात कर लें,
इस स्फीयर के लिए बात करें अपन तो डायरेक्ट भी वैसे भी कर सकते, चलो खैर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस अबाउट कितना आएगा, स्फीयर का डायमीटर के अबाउट जानते हैं अपन, 2 बाय स्फीयर है ना, होलो स्फीयर है तो 2 बाय 3 एम आर स्क्वायर, राइट, तो 2 बाय 3 एम आर स्क्वायर और इस एक्सिस अबाउट, एंड देन इस एक्सिस अबाउट कितना आएगा, देखो ये तो हो गया 2r और ये हो गया r, तो ये हो जाएगा 3r, तो पैरेलल एक्सिस लगा दो m into 3r का स्क्वायर मतलब 9r स्क्वायर हो गया प्लस, अब इस स्फीयर की बात कर लें, इसका कितना आएगा, इस एक्सिस अबाउट सेम ही आएगा 2 बाय 3 एम आर स्क्वायर, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस में m into r स्क्वायर पैरेलल एक्सिस लगा दो तो m into r स्क्वायर आ गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो आ गया 4 बाय 3 एम आर स्क्वायर, ये देखो कितना आया 9 प्लस 1 10 आ जाएगा, ये आ गया 30 और ये 4, तो 34 बाय 3 एम आर स्क्वायर, तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चले, ट्वेंटी एट, ए रॉड ऑफ मास 4 केजी एंड लेंथ 4 एम इज बेंट एट मिड पॉइंट टू फॉर्म एन एल शेप्ड रॉड एज शोन, फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू पॉइंट ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रॉड, तो इस वाली एक्सिस के अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ठीक है, चलिए देखते हैं, तो रॉड का जो मास है वो 4 केजी है, लेंथ अपने पास कितनी दे रखी है 4 एम गिवन है, 4 मीटर मतलब, तो ये तो हाफ जो पार्ट है वो तो इधर आ गया 2 केजी आ गया, लेंथ कितनी आ गई 2 मीटर आ गई, इसका भी 2 केजी लेंथ कितनी आ गई 2 मीटर आ गई, ठीक है यहां तक, चलिए तो इस एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले इस वाली रॉड की बात कर लें, तो इसका ये 1 एंड के अबाउट हो गया ना एम एल स्क्वायर बाई 3, तो वो रख देते हैं सबसे पहले एम कितना है 2 एल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 बाई 3, तो ये तो इस रोड का इस एक्सिस अबाउट आ गया, अब हमें इस वाले रोड का फाइंड करना है, अब इस वाले रोड का कैलकुलेट करने के लिए अपने इसके सेंट्रो मास के अबाउट फाइंड कर लेते हैं, सबसे पहले सेंट्रो मास के अबाउट कितना आएगा एम एल स्क्वायर बाई 12, तो एम है 2 एल है 2 2 का स्क्वायर 4 बाई 12, ये तो आ गया एम एल स्क्वायर बाई 12, अब इससे इसकी डिस्टेंस ये वाली कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अब ये 2 है तो ये 1 है ना, ये 1 हो गया ये 2 हो गया, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट रूट 5 आ गया, तो m into d square, right? m into d square, m is 2 और d square root 5 का square मतलब 5 आ गया, तो ये लो जी वैल्यू आ चुकी है अपने पास, तो अब 4 से इसको कट कर दो 3 आ गया, तो ये 2 by 3 है और ये 8 by 3 आ गया, तो 2 by 3 plus 8 by 3 मतलब 10 by 3 हो गया ये, और ये कितना है 10 आ गया, तो ये कितना आया फाइनली अपने पास 30 plus 10 मतलब 40 by 3, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 29, देखिए इधर 3 आइडेंटिकल रोड्स हैं, सबका मास m आपको गिवन है, 120 डिग्री एंगल पे इनको रखा हुआ है, ठीक है, तो इनका सेंट्रो मास यही लाई करेगा ना, तो हमसे पूछा है कि a एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इसका सिस्टम का, तो सेंट्रो मास के अबाउट अगर मैं पूछूं तो इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3, इसका ml स्क्वायर बाय 3, इसका ml स्क्वायर बाय 3, टोटल कितना आया ml स्क्वायर बाय 3 * में 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम एल स्क्वायर इस पूरे सिस्टम का इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, और अब हमें इस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना है, राइट, तो इस एक्सिस के अबाउट आ जाएगा पैरेलल एक्सिस लगा दो प्लस में पूरा मास कितना है 3m इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई l l स्क्वायर, तो 3m l स्क्वायर प्लस m l स्क्वायर कितना आ जाएगा 4m l स्क्वायर, तो करेक्ट ऑप्शन का क्या आ जाएगा थर्ड आ जाएगा, ठीक है, आइए 30 पे आइए, In the shown figure, the swastik is made of the uniform rods, has linear mass density of lambda, and dimensions are shown in the figure. The moment of inertia about the dashed axis is. तो ये जो dashed axis आपको नजर आ रही है, इस axis about I find out करना है हमें. देखो, ये वाली जो rod दिख रही है अपन को, ये वाली, इसका zero हो जाएगा, इसका भी zero हो जाएगा. कारण क्योंकि ये axis पे लाए कर रहे हैं, तो I moment of inertia इसका zero हो जाएगा. अब next बात कर लें, इस वाली rod की बात करें ml square by 3, इस वाली की बात करें ml square by 3, इस वाली की बात करें ml square by 3. इस वाली की बात करें ml स्क्वायर बाई 3, है ना, सबका मास मैंने mm मान लिया, तो ये 4 पार्ट हैं, तो 4 इनटू में ml स्क्वायर बाई 3, तो ये इन चारों पार्ट का आ गया, अब इस वाले रोड की बात करें अगर अपन, ये वाली जो रोड नजर आ रही है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो l है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना, वो कोई भी पॉइंट ले लो आप, सबसे डिस्टेंस l के बराबर है, तो इसका ml स्क्वायर आएगा, सिमिलर वे से इसका भी ml स्क्वायर इस एक्सिस के अबाउट, तो ये आ जाएगा 2ml स्क्वायर, यहां से देखें अपन तो 6 प्लस 4 10 by 3 ml स्क्वायर, अब जो m है वो m किसके बराबर होगा लैम्डा इनटू l, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 लैम्डा l क्यूब बाय 3, 10 लैम्डा l क्यूब बाय 3 कौन सा ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
31. The moment of inertia of uniform flat disk about the axis passing through the center and the perpendicular to the plane of the disk is I. The radius of the disk is A. The quadrant of the disk is cut off and is placed replaced by a material having twice the density of the material of the disk. The moment of inertia of the new disk about the same axis will be. अब सेम एक्सिस अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, तो ये डिस्क है फ्लैट डिस्क, इसका इस एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई के इक्वल है ना। अब इसमें से क्या किया, वन फोर्थ मतलब फर्स्ट मतलब एक क्वाड्रेंट जो है वो काट करके अलग कर दिया और इसके डबल डेंसिटी का जो ऑब्जेक्ट है वो अटैच कर दिया, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर मैं डबल डेंसिटी का अटैच कर रहा हूं, इसका मतलब मैं कट नहीं कर रहा और उस पे सेम डेंसिटी की एक एक वन फोर्थ जो पार्ट है वो अटैच कर देता हूं ऊपर। मैंने क्या किया, काट के अलग नहीं किया, इसकी डेंसिटी रेड वाली जो है ना, इसकी डेंसिटी वही है जो डिस्क की है, तो यहां पर जो इतना पार्ट जो आएगा उसकी डेंसिटी डबल हुई कि नहीं हुई, वो पहले वाली तो है ही एज इट इज, और उसके ऊपर सेम डेंसिटी की एक क्वाड्रेंट जो है डिस्क का जो पार्ट है स्मॉल पार्ट वो अटैच कर दिया, तो इसका इस एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई तो होगा ही होगा पहले वाला जो है, प्लस में इस टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यहां पे रहेगा। अब इस टुकड़े का कितना होना चाहिए, इस टुकड़े की बात करें तो ये बताओ जो ग्रीन वाला जो आपको नजर आ रहा है उसका एक पोर्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस अबाउट उसी के तो बराबर होगा, और उसका एक पोर्शन पूरे कंप्लीट का आई अगर है तो वन फोर्थ का कितना आएगा, आई बाई फोर ही तो आएगा, इस रेड वाले का जो आएगा इस एक्सिस अबाउट आई बाई फोर के बराबर होगा, तो प्लस में आई बाई फोर और आप अटैच कर दीजिए, तो आई प्लस आई बाई फोर कितना आ जाएगा, फाइव आई बाई फोर, तो करेक्ट ऑप्शन इसका जाएगा थर्ड। नेक्स्ट पे चले, आइए देखिए, डिस्क ऑफ रेडियस आर बाई टू इज कट from a uniform disk of radius r is shown the figure, the mass of the disk with cavity is capital M. Okay, the moment of inertia of the disk about an axis xx dash which passes through the center O of the disk and is in the plane of the disk will be. तो ये जो xx dash axis आपको नजर आ रही है, इस axis about moment of inertia calculate करना है, तो ये देखो ये angle 45 degree है, अगर मैं इसके perpendicular एक और axis draw कर दूं, तो एक चीज देखो, ये वाली axis और ये वाली axis symmetrical जा रही है, मतलब मेरे कहने का मतलब है जो आपने ये होल बनाया है जिस तरीके से उसका ओरिएंटेशन इस एक्सिस के अबाउट है, सेम ओरिएंटेशन इस एक्सिस के लिए भी रहेगा, मतलब कहने की बात ये है कि इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं आई डैश कंसीडर करूं तो इसके अबाउट भी आई डैश होगा, और फिर इन दोनों का जो सम होगा वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से मैं कह सकता हूं आई डैश प्लस आई डैश टू आई डैश के बराबर आएगा इसके। सो मैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूंगा और इसका हाफ कर दूंगा, तो मेरे पास एक्स एक्स डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब अपन कैलकुलेट करने वाले हैं, देखिए इधर तो इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें क्या दे रखा है हमें, r by 2 रेडियस का जो पार्ट है वो कट करके बाहर निकाला है, ठीक है। द मास ऑफ द डिस्क विद कैविटी इज कैपिटल m, कैविटी बनाने के बाद जो डिस्क बची है ना उसका मास कैपिटल m है, ये ध्यान रखना है। मास डेंसिटी मैं सिग्मा अज्यूम कर लेता हूं, यूनिट एरिया का मास, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा की वैल्यू अगर अपन कैलकुलेट करें तो भी, क्योंकि m की टर्म्स में हमें आंसर देना है, तो पूरी डिस्क का मास सॉरी जो रिमेनिंग जो डिस्क है उसका मास कितना है, m है, m अपॉन में, और एरिया की बात करें यहां पर कंप्लीट डिस्क का एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस इस वाली जो होल बनाया है इसका एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4, रेडियस आ दिए ना, पाई आर स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर बाय 4 ऊपर चला जाएगा, 4 m अपॉन में 3 पाई आर स्क्वायर, सही है। तो इक्वेशन वन आ गई, तो सिग्मा की वैल्यू हमें चाहिए होगी, तो सिग्मा की जगह अपन ये वाली वैल्यू रख सकते हैं। चलो अब करते हैं स्टार्ट, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इस एक्सिस अबाउट इस कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि अपन जानते हैं इसका पूरी कंप्लीट डिस्क का जो भी मास है m1 है, तो m1 into r square by 2 इस एक्सिस अबाउट, तो मैं लिख देता हूं m1 into r square by 2। अब इसमें से इस वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबट्रैक्ट करना है, अब इस वाली डिस्क का मास मैं m2 मान लेता हूं, m2 का इसके सेंटर के अबाउट कितना आएगा, माइनस करना ही अपन को m2, एक काम करते हैं इसको एक साथ माइनस कर देंगे, तो m2 इनटू इसकी रेडियस कितनी, r by 2 है, तो r square by 4, r square by 4 रेडियस आ दिए, और by 2 भी आएगा, mr square by 2 होता है फॉर्मूला, तो 8 आ गया, प्लस m2 इनटू d square, पैरेलल से करूं तो d कितना है, r by 2 है, तो r square by 4, करेक्ट, ये वैल्यू आ गई। यहां से थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको अपन, तो ये 4 है तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से 8 हो गया, तो यहां से वैल्यू कितनी है अपने पास, रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा m1 r स्क्वायर बाय 2 माइनस ये आ जाएगा अपने पास, ये 8 आ गया, 2 एंड 1 3 3 m2 r स्क्वायर बाय 8, ये वैल्यू आ गई।
चलिए अब m1 की वैल्यू रखें। अब m1 कितना आएगा, m1 है कंप्लीट डिस्क का मास। अब कंप्लीट डिस्क का मास अगर अपन देखें तो वो m1 है, और m1 मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वेयर, और सिग्मा की वैल्यू अपने पास है यहाँ पर, सिग्मा की वैल्यू बाद में अपन रख देंगे यहाँ पर, तो मैं लिख सकता हूँ सिग्मा और पाई आर स्क्वेयर, ठीक है, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर मतलब आर की पावर फोर हो गया अपॉन में टू माइनस थ्री बाय एट, है ना। अब m2 की बात करें, m2 केवल इसका मास है, वो आ जाएगा सिग्मा और r बाय टू का, तो पाई आर स्क्वेयर बाय फोर, तो आर स्क्वेयर तो r की पावर फोर बाय फोर, ये फोर आ गया, तो ये आ गया 32, 32 आ जाएगा ये वाला, ठीक है, तो 32 एलसीएम आ गया, तो ये आ जाएगा 16, ठीक है, 16 माइनस 3 और आ जाएगा सिग्मा पाई आर की पावर 4, तो ये आ जाएगा 13, राइट। तो 13 अपने पास यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है, तो 13 सिग्मा पाई आर की पावर 4 अपॉन में 32 आ गया, और सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 4 एम बाय 3 पाई आर स्क्वेयर, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वेयर बचेगा, और यहाँ पर ये 32 है ना, तो 4 से कट कर दो, यहाँ पर 8 आ गया, तो ये 24 आ जाएगा, 8 24 आ जाएगा, तो नीचे 24 आ गया, ऊपर 13 आ गया, तो 13 बाई 24 एम आर स्क्वेयर, ये इस एक्सिस के अबाउट आया, ये वाली एक्सिस, और इसका हाफ होना चाहिए x एक्सिस के अबाउट, हाफ कितना आएगा, 24 इंटू 2 48 हो जाएगा, ठीक है, तो 13 एम आर स्क्वेयर बाई 48 जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन, क्लियर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 23, देखो एक आपको स्क्वेयर डिस्क दे रखी है, ठीक है, स्क्वेयर फॉर्म में, और इसमें से आर ए डिस्क की डिस्क जो है वो काट करके रिमूव कर दी जाती है, इस पूरी स्क्वेयर लेमिना का जो मास है वो कैपिटल एम गिवन है, हमको रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना है। अप्रोच क्या रहेगी, इस पूरी स्क्वायर डिस्क का इस एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लो, पूरे कंप्लीट का मास कितना एम, फॉर्मूला क्या होता है, एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12, तो एम बाई 12, ए होता है ये वाला डायमेंशन, बी होता है ये वाला डायमेंशन, ए और बी दोनों बराबर है, ये 2r हो जाएगा, ये भी 2r हो जाएगा, तो 2r 2r का होल स्क्वायर कितना आएगा, 4r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर मतलब 8r स्क्वायर आ जाएगा माइनस। अब ये सर्कुलर डिस्क है इसका मास स्मॉल m अज्यूम कर लो, तो स्मॉल m, इसकी रेडियस कितनी r है, तो r स्क्वायर बाई 2, यही आएगा डिस्क का इस एक्सिस अबाउट, बस अब हमें स्मॉल m की वैल्यू रखनी है, तो स्मॉल m की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए पूरी ये जो स्क्वायर प्लेट है, इस स्क्वायर प्लेट का जो मास है वो कितना है, कैपिटल m के इक्वल है, तो सिग्मा कितना आएगा यहाँ पर, सिग्मा आ जाएगा अपने पास, यस सिग्मा कितना आएगा, m अपॉन में ये 2r, ये 2r, तो 4r स्क्वायर, तो अब इस स्क्वायर सर्कुलर डिस्क का मास कितना आएगा, स्मॉल m इज इक्वल टू सिग्मा विच इज m अपॉन में 4r स्क्वायर इनटू में ये वाला एरिया पाई कैपिटल r स्क्वायर, पाई से सॉरी r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो, तो पाई m / 4 इसका मास आ जाएगा, स्मॉल m की जगह मैं रख सकता हूं, तो i कितना बचा अपने पास, m / 12 8r स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा पाई m / 4 4 into 2 8 The disk is free to rotate about a frictionless axis through its center and perpendicular to plane of the disk. All the three forces in the plane of the disk shown in the figure are act tangentially to their respective circular periphery. The magnitude of the net torque about the center of the disk acting on the disk is. Center ke about torque find out karna apne ko. Dekho, ye tangential lag raha hai, F into R by 2 is taraf rotate karega. Isko dekhen to 2F into R, ye bhi is taraf rotate karega. Donon cooperate karenge, dusre ko help karenge. Iska torque kitna aega? F into R by 2 प्लस इसका कितना आएगा 2F इंटू में R, ये दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, और ये वाला जो FS 37 दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है तो टेंजेंशियल ना ऐसे, तो इसका टोर कितना आएगा F इंटू R अपोजिट, तो माइनस का FR आ गया, तो 2F इंटू R माइनस F इंटू R कितना बचा F इंटू R प्लस में FR by 2 विच इज 3FR by 2 मतलब 1.5R, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया।
35th पे आइए, यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास एम इज कैप्ट इन इक्विलिब्रियम मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑन द फिगर, द टेंशन इन द थ्रेड इज सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, थ्रेड में टेंशन पूछा अपन से, ठीक है, टेंशन टी मान लो नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, और टेंशन की वैल्यू पूछी अपन से, एम जी किधर लगेगा डाउनवर्ड, ठीक है, फ्रिक्शन है नहीं यहां पर, फ्रिक्शन अगर होता तो फिर उसके उसमें टेंशन जो है इंक्लाइंड होता, एंगल पे होता, लेकिन फ्रिक्शन नहीं है तो हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो टेंशन को भी वर्टिकल रहना पड़ेगा फिर, तो टेंशन ऊपर है, एम जी डाउनवर्ड है। अब अगर आप देखो इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क देखूं तो एम जी का टॉर्क कितना आएगा, एम जी इनटू ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और टी का टॉर्क कितना आएगा, टी इनटू ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि डबल है इससे, तो अगर ये वाली एल मान लूं तो ये 12 हो जाएगी, तो एम जी का टॉर्क कितना आएगा, एम जी इनटू में ये वाली डिस्टेंस विच इज एम जी इनटू एल, और टी का टॉर्क जो आएगा वो कितना आएगा, टी इनटू 12, और दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस करेंगे अबाउट दिस पॉइंट, क्योंकि नेट टॉर्क क्या है, जीरो है, टेंशन नॉर्मल का जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से एल से एल कैंसिल आउट होगा, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम जी बाय 2, फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। 36 पे आइए, ओके, तो डायग्राम थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है यहाँ पर, खैर, टू पर्संस ऑफ इक्वल हाइट आर कैरिंग ए लॉन्ग यूनिफॉर्म वुडन बीम ऑफ लेंथ एल, दे आर एट डिस्टेंस एल बाय 4 एंड एल बाय 6 फ्रॉम नियरेस्ट एंड ऑफ द रॉड, द रेशियो ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एट देयर हेड्स इज, तो कुछ ऐसा डायग्राम है ये देखो, ये एक प्लैंक है, यहाँ पे एक बंदा है वो नॉर्मल लगाएगा इस पे एन वन, यहाँ एक बंदा है वो नॉर्मल लगाएगा इस पे एन टू, एन वन और एन टू का रेशियो में पूछा है, ठीक है, तो एक चीज देखो सेंट्रो मास कहना कि यहाँ पे लाई करेगा, ये कितना डिस्टेंस है, एल बाई फोर है, एल बाई फोर सेंट्रो मास एल बाई टू पे होगा यहाँ से इस एंड से, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, एल बाई टू माइनस एल बाई फोर, एल बाई फोर ही तो बचेगा, ये डिस्टेंस आपको दे रखी है एल बाई सिक्स, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी, एल बाई टू वन बाई टू माइनस वन बाई सिक्स, सिक्स तो ये थ्री माइनस वन टू बाई सिक्स, तो वन बाई थ्री आ जाएगा, सो दिस लेंथ इज एल बाई थ्री, तो सेंट्रो मास के अबाउट अगर मैं टॉर्क देखूं तो टॉर्क जीरो होना चाहिए ना, क्योंकि ये जो प्लैंक है मूव नहीं कर रहा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, तो सेंट्रो मास के अबाउट टॉर्क देखूं तो एन वन इंटू ये वाली डिस्टेंस, एन टू इंटू ये वाली डिस्टेंस, दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, एम जी का टॉर्क लगेगा नहीं क्योंकि सी एम के अबाउट ही अपन टॉर्क ले रहे हैं, तो टॉर्क क्या आएगा, एन वन इंटू में एल बाई फोर इक्वल्स टू एन टू इंटू में एल बाई थ्री, एल सी एल कैंसिल आउट हो गया, तो एन वन बाय एन टू अपन से पूछा है तो आ जाएगा 4/3, तो आंसर है 4/3 थर्ड ऑप्शन। The three identical rods are hinged at point A, as shown. The angle made by rod AB in equilibrium with vertical is. तो vertical के साथ ये जो AB rod है ये कितना angle बनाएगी? देखो सीधी सी बात है, अगर ये rotational equilibrium में है तो ये confirm है कि इस पूरे system का जो center of mass है वो इसी line पे होना must है, जरूरी है। Center of mass होगा तो mg overall इधर ही लगेगा, तो mg का जो torque है ना एक about वो zero हो जाएगा, तो rotational equilibrium में रहेगा। तो center of mass इसी line पे रहना must है। तो center of mass यहाँ पे लेके आना है। तो एक काम करते हैं, इस फ्रेम को मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है, मास सबका सेम है ही है, आइडेंटिकल रोड्स, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इन दोनों रोड्स का, इन दोनों रोड्स का सेंटर मास ऑब्वियसली इस लाइन पे लाई करेगा यहाँ पर कहीं ना कहीं, सही है, और इन दोनों रोड का मास एम एम मानो तो यहाँ पर मास हो गया 2m, और ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होगा, तो अगर मैं पूरा लेंथ जो है वो सपोज 2l कंसीडर कर लूँ, ये 2l है, ये 2l है, ये 2l है, तो ये ll हो जाएगा, सही है, यहाँ पे आ गया, और इस वाली रोड का मास जो है सेंट्रो मास यहाँ पे होगा, मास m होगा, और ये डिस्टेंस l के बराबर मान ली मैंने, अब इन दोनों का सेंट्रो मास कहाँ पे लाया करेगा, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लाया करेगा, वो और वो भी पूरे सिस्टम का हो जाएगा, तो सेंट्रो मास का अगर पोजीशन देखूं मैं यहाँ से नीचे वाले पॉइंट से कितना आएगा, m इंटू जीरो, y कोऑर्डिनेट की हिसाब से बात करूँ तो m इंटू जीरो प्लस 2m इंटू l, l ये वाली हाइट होगी, अपॉन में 2m प्लस m व्हिच इज 3m, m से m कैंसिल होगा तो 2l बाय 3 आ गया, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना वो 2l बाय 3 हो जाएगी, तो जब ये वाला डिस्टेंस 12 बाई 3 है तो अपन ये पता कर सकते हैं कि इस पॉइंट से अगर मैं, क्योंकि सेंटर मास यहाँ पे है ना, इस पॉइंट को यहाँ से मिला दूँ तो ये वाला एंगल आ जाएगा, देखो ये वाला, यही तो सीन है, देखो ये वाला एंगल ही पता करना अपन को, तो ये वाला एंगल पता करना अपन को, तो ये तो हो गया यहाँ से यहाँ तक 12 बाई 3, ये कितना पूरा 12, तो 12 में से 12 बाई 3 सबट्रैक्ट कर दें तो अपने पास ये वाली लेंथ आ जाएगी, है ना, 12 माइनस 12 बाई 3, तो ये लेंथ कितनी आई, 12 माइनस 12 बाई 3, तो कितना 6 माइनस 12 मतलब 4l बाई 3, सो दिस डिस्टेंस इज 4l बाई 3, और ये वाली तो l के बराबर ही है,
क्योंकि मैंने 12 मानी थी एल के बराबर है। तो ये बताओ अगर यहाँ से मैं टेन थीटा देखूँ तो टेन थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एल अपॉन में 4L/3, तो 3/4 जो है टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सो टेन थीटा राइट, तो टेन थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन में 4L/3 विच मीन्स 3L/4, तो टेन इनवर्स 3L/4, 3/4 जो है इसका आंसर आ जाएगा, करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आइए, इन द गिवन फिगर ए यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज हिंज्ड एट वन एंड एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू ए लाइट वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। द स्प्रिंग हैज एक्सटेंशन सच दैट द रोड इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। द रोड कैन रोटेट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू एंड बी नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन एट द हिंज, फाइंड द फोर्स ऑन द रोड ड्यू टू हिंजेस। देखो ये रोड हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऊपर, एम जी डाउनवर्ड, सेंटर मास पे लगा दिया, और हिंज पे भी फोर्स ऑब्वियसली वर्टिकली लगेगा, इंक्लाइन नहीं लग सकता क्योंकि ये स्प्रिंग सीधी वर्टिकल है, तो नेट फोर्स जीरो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कोई एक फोर्स दूसरा नहीं है तो ये क्यों लगाएगा फिर, तो ये भी वर्टिकली रहेगा। और सेंटर मास के अबाउट अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो दोनों फोर्स जो है, मान लो ये स्प्रिंग फोर्स है के एक्स, ये नॉर्मल लग गया एन, तो इन दोनों का जो सम है वो बराबर होना चाहिए, तो के एक्स प्लस एन इक्वल टू एम जी होना चाहिए पहली बात तो। और दूसरा अगर सेंट्रो मास के अबाउट टॉर्क भी देखूँ तो नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, तो इसका टॉर्क कितना आएगा, के एक्स इंटू एल बाई टू इस तरफ, और इसका टॉर्क कितना आएगा, एन इंटू एल बाई टू इस तरफ, ठीक है, तो एन इंटू एल बाई टू इस तरफ आ जाएगा, तो एन और के एक्स का जो टॉर्क है वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेगा, तो दोनों का टॉर्क बराबर होना चाहिए, के एक्स और एन की वैल्यू बराबर आ जाएगी। सो के एक्स प्लस एन इक्वल टू एम जी, और के एक्स और एन की वैल्यू बराबर भी है, सो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम जी बाई टू, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या जाएगा, थर्ड आ जाएगा, ठीक है। 39th, यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ एल रेस्ट अगेंस्ट स्मूथ फ्रिक्शनलेस वॉल, द फ्लोर इज रफ एंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लोर एंड द लैडर इज मीन, व्हेन द लैडर इज पोजीशन एट एन एंगल थीटा इज शोन द फिगर, इट इज जस्ट अबाउट टू स्लिप, करेक्ट रिलेशन फॉर थीटा इज, ये जस्ट फिसलने वाला है और थीटा के साथ रिलेशन अपन से पूछा है म्यू का। देखिए ये तो फ्रिक्शनलेस है और ये रफ सर्फेस है, ओके, और जस्ट स्लाइड करने वाला है, कुछ ऐसा सिस्टम है ये, सेंट्रो मास जो है उसके अकॉर्डिंग अपन mg लगा देंगे, तो इस पॉइंट की स्लाइडिंग की जो टेंडेंसी इस तरफ है तो फ्रिक्शन इस तरफ लग जाएगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन लेंगे अपन, जस्ट स्लाइड करने वाला है, यहाँ पे नॉर्मल मैंने सपोज n2 कंसीडर किया, तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, म्यू इंटू में n2, म्यू ले रहे थे तो म्यू इंटू n2 आ गया, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, केवल नॉर्मल लगेगा इस तरफ, ठीक है, और ये वाला एंगल थीटा अपने पास। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन, देखिए तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, तो ये एक चीज देखो यहाँ पर म्यू एन टू इस तरफ लग रहा है और एन वन इस तरफ लग रहा है, तो एन वन बराबर म्यू एन टू हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। सिमिलरली एन टू ऊपर की तरफ एम जी डाउनवर्ड है, तो एन टू बराबर कितना आ गया, एम जी, ये भी बैलेंस करेंगे, तो एन टू की वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ मैं, तो एन वन की वैल्यू अपन लिख सकते हैं म्यू इन टू में एम जी, जो पढ़ेंगी तो बाद में अपन कंसिडर कर सकते हैं। आप देखिए इधर टॉर्क जो है वो जीरो है, ठीक है, तो अगर मैं इस एक्सिस पर टॉर्क कंसीडर करूं तो इन दोनों का टॉर्क तो जीरो हो गया, एम जी का टॉर्क कितना आएगा, एम जी इंटू में ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर, अगर मैं ये वाली डिस्टेंस एल कंसीडर कर लूँ ये वाली, तो ये आ जाएगा एल कॉस थीटा, तो एम जी का टॉर्क कितना है, एम जी इंटू एल कॉस थीटा, और ये किस तरफ रोटेट करेगा, इस तरफ, इस पॉइंट के अबाउट। एन वन का टॉर्क कितना आएगा, एन वन इंटू ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस जो कितनी आएगी, ये 2L हो जाएगा, तो ये 2L साइन थीटा हो गया, ठीक है, तो n1 का टॉर्क आ जाएगा जो कि इसको बैलेंस करेगा, n1 into 2l sin theta, तो यहां से अपन l को हटा सकते हैं, ये आ जाएगा mg cos theta, और 2 n1 की वैल्यू रख दो, n1 की वैल्यू म्यू इंटू में mg इंटू में 2 sin theta आ गया, mg से mg कैंसिल आउट हुआ, cos theta upon sin theta tan theta आ जाएगा, और ये 2 म्यू है इस तरफ आ जाएगा, तो 1 ओवर 2 म्यू इज इक्वल टू आ गया tan theta, तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो थर्ड आ जाएगा, ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। आइए क्वेश्चन नंबर 40, ए कोन ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कोन एंड द सरफेस बीइंग म्यू, ए ग्रेजुअली इंक्रीजिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इज अप्लाइड टू द वर्टेक्स ऑफ द कोन, the largest value for mu for which the cone will slide before it topples, तो कोन को टोपल करवाना है, लार्जेस्ट वैल्यू, सॉरी लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है म्यू की, जिससे कि कोन जो है
स्लाइड कर जाए टोपल करने से पहले। तो अपन उसका उल्टा कर लेते हैं कि जस्ट टोपल स्लाइड करने से पहले टोपल होता है उसके लिए म्यू की क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो मेन चीज क्या है, ये जस्ट स्लाइड होने वाला है तो एफ की वैल्यू जो है ना वो अपन को जो फ्रिक्शन लगाएंगे ना या लिमिटिंग वैल्यू कंसीडर करेंगे यहाँ पर, उससे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखो कैसे, ये कौन है, सेंट्रोमास यहाँ पे लाई करेगा, एम जी फोर्स लगा दिया, ये इसका रेडियस इसका कितना गिवन है आर है, तो ये डिस्टेंस आर के बराबर हो गई। जब ये टोपल करने वाला होगा एफ फोर्स लगा रखा आपने, नॉर्मल यहां पर शिफ्ट हो गया एन, ठीक है, और फ्रिक्शन इधर लग जाएगा। एफ की वैल्यू क्या रख देंगे, म्यू इनटू में एन, बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो जस्ट टोपल और स्लाइडिंग का केस मैंने एक साथ लिया है यहां पर, तो एफ का टोर कितना आएगा, जो हाइट अपन को कितनी गिवन है यहां पर, हाइट जो है कौन की वो दे रखी है एच, तो ये हाइट एच है। एफ का टोर्क आएगा एफ इंटू एच इसके अबाउट, एन का टोर्क जीरो हो जाएगा, फ्रिक्शन का भी टोर्क जीरो हो जाएगा, और एम जी का टोर्क कितना आएगा, एफ इंटू में सॉरी एम जी इंटू में आर। अब एफ की जो वैल्यू है वो म्यू इंटू एन के बराबर रखूंगा मैं, क्योंकि ये जस्ट स्लाइड करने की कंडीशन में आ चुका है। एफ बराबर आ जाएगा म्यू इंटू एन, एच बराबर एम जी आर, और एन की जो वैल्यू है वर्टिकली बैलेंस्ड है तो एन एम जी डाउनवर्ड, तो एन की वैल्यू एम जी हो जाएगी। तो ये जो mg है, ये जो mg है इससे n से कैंसिल हो जाएगा, सो म्यू एच इक्वल टू आर, तो यहां से म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, r अपॉन में h, तो थर्ड ऑप्शन का जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आइए, ए रॉड इज कनेक्टेड विद द रिजिड बॉडी डिस्क एट द सेंटर ऑफ द डिस्क पॉइंट p, द डिस्क कैन फ्रीली रोटेट अबाउट पॉइंट p वेयर इट इज हिंज्ड विद रॉड एंड द रॉड कैन रोटेट फ्रीली अबाउट फिक्स्ड हिंज q। Now, whole arrangement is released from horizontal position as shown in the diagram. The initial acceleration point P is 0. Initial acceleration point P is 9g/8. Initial acceleration point P is this one, jo bhi hai. Matlab, P point ka initial acceleration humse poocha hai. Pehli baat dekhiye ki jab system ko release karenge hum yahan par, to ye jo disk hai na, yahan pe jo connected hai, aur jo rod hai, disk plus rod system pura rigid nahi hai. Kyunki disk jo hai, wo free to rotate hai iske about, is axis about. To hume free to rotate de rakha hai, iska matlab frictionless surface yahan pe manenge apan. तो इसको एज ए पॉइंट मास की तरह यहाँ पे ट्रीट करना है अपन, ठीक है। तो एक तो इस रोड पे एम जी लग जाएगा यहाँ पर सेंटर पे, एक डिस्क का एम जी यहाँ पे लग जाएगा, तो ओवरऑल जो टॉर्क आया गिवन पोजीशन पे अबाउट क्यू, क्यू से ये हिंज्ड है, अबाउट क्यू नेट टॉर्क यहाँ पे कितना आएगा, एम जी इंटू एल बाई टू और एम जी इंटू एल, सो एम जी इंटू एल बाई टू एंड एम जी इंटू एल कितना जाएगा, थ्री एम जी एल बाई टू आ जाएगा टॉर्क अबाउट क्यू। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर मैं बात करूं तो रोड का, रोड कंप्लीट रिजिड है कोई दिक्कत नहीं है, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर हम बात करें तो रोड के लिए अपन क्या लिखेंगे, एम एल स्क्वायर बाय थ्री प्लस, इसको एज ए पॉइंट मास की तरह यहाँ पे ट्रीट करना है जी, तो एम इंटू में ये वाली डिस्टेंस जो कि एल है प्लस में एम एल स्क्वायर है ना, और इंटू में आ जाएगा एल्फा, यहाँ से आ जाएगा फोर एम एल स्क्वायर बाय थ्री, तो थ्री एम जी एल बाय टू आ जाएगा 4 एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू में एल्फा, एम एम और एल से एल कैंसिल आउट हो गया, तो ये 3 3 9 आ गया और डिवाइड में 8 आ गया, तो 9 बाई 8 जी और ये एल डिवाइड में आ जाएगा, दिस इज एल्फा। ये एंगुलर एक्सेलरेशन आया इस पूरी असेंबली का, तो पी पॉइंट का एक्सेलरेशन चाहिए तो केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा क्योंकि यहाँ पर इनिशियल स्पीड कितनी है, जीरो है, तो ए टी इक्वल टू एल्फा इंटू आर, एल्फा रोटेशन का इंटू आर, आर जो है वो एल के इक्वल हो जाएगा जो रेडियस है इस पी पॉइंट सर्कुलर पाथ की, ऐसे जाएगा नहीं, तो इसको L से मल्टीप्लाई कर दो, L से मल्टीप्लाई करोगे L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास अल्फा इनटू L जो कि 80 आ जाएगा है ना, P पॉइंट का एक्सेलरेशन आ जाएगा 9g/8, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेकंड हो जाएगा। ओके, तो इस वे से अपन को डील करना है इस क्वेश्चन नंबर 41 को। वैसे अगर अपन इंडिविजुअली देखें वैसे तो जैसे ये जो रॉड है और जो डिस्क है इसको अलग अलग ऑब्जेक्ट मान के भी अपन इसको डील कर सकते हैं, जैसे ये रॉड है इस एक्सिस के अबाउट अगर अपन देखें तो जो डिस्क है जहां से डिस्क का पी पॉइंट जहां से कनेक्टेड रोड के साथ वह नॉर्मल लगेगा, और क्योंकि अभी जो है वो सेंट्रिपिटल कोई फोर्स है नहीं क्योंकि वेलोसिटी जीरो है यहाँ पे, तो नॉर्मल जो है जो डिस्क है वो इस रॉड पे नॉर्मल किधर लगाने वाली है आप किसी भी तरफ मान सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं डिस्क के लिए अज्यूम कर लूँ कि जो डिस्क है वो नॉर्मल इस पे इस डायरेक्शन लगा रही है सपोज एंड डाउनवर्ड लगा रही है, ठीक है, और डिस्क पे नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इस वाले पॉइंट के अबाउट अगर अपन देखें तो एक तो एम जी इस पे लग गया, एक एन लगा ना यहाँ पर, एन लगेगा तो इस रोड के लिए अगर मैं टॉर्क की इक्वेशन लिखूँ तो हाँ रोड के लिए परफेक्टली लिख सकते हो आप एम जी
इंटू एल बाई टू आ गया, और एन का जो टॉर्क आएगा उसको लिखेंगे प्लस एन इंटू एल, एन का टॉर्क आ गया, और एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा है तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे आई इंटू एल्फा विच इज एम एल स्क्वायर बाय थ्री इंटू एल्फा, ये इक्वेशन बन गई। तो ये तो इक्वेशन किसके लिए बनी, रोड के लिए। अब जो डिस्क है वो डिस्क कंप्लीटली अगर मैं देखूं डिस्क के सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखूं, केवल डिस्क के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो डिस्क के ऊपर एम जी लग रहा है इसका खुद का, और नॉर्मल जो लगेगा डिस्क के ऊपर, डिस्क के ऊपर अपोजिट लगेगा एन, और सेंटर मास के अबाउट देखें तो कोई टॉर्क नहीं लग रहा, तो ये रोटेट नहीं होगा, इसका अल्फा जीरो है इसका खुद का डिस्क का, ठीक है रोटेशन वाला। तो इस पर ओवरऑल देखें तो ये डाउनवर्ड जाएगा किसी ना किसी एक्सेलरेशन से, तो एम जी डाउनवर्ड एन अपवर्ड, तो इसके लिए मैं इक्वेशन लिखू तो लिख सकता हूँ ना एम जी माइनस एन इक्वल्स टू एम इंटू इस डिस्क का एक्सेलरेशन। अब डिस्क का जो एक्सेलरेशन है सेंटर का सेंटर ऑफ मास का ऑब्वियसली वो कितना आएगा, इस रोड का अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है तो इस वाले पॉइंट का अल्फा इंटू एल ही तो होगा, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ एम इंटू अल्फा इंटू एल, ये वैल्यू आ गई, सही है। अब इस वाली इक्वेशन इस वाली इक्वेशन देखें तो एम जी एल एल से मल्टीप्लाई कर दूँ एन एल आ गया, ये एम अल्फा एल स्क्वायर आ गया। देखो अब इनको अगर ऐड करूँ तो एन एल से एन एल कैंसिल आउट हो गया, एम जी एल एम जी एल बाय टू, पिछले वाले पार्ट में भी ऐसे ही बताया था मैंने आपको, और एम एल स्क्वायर बाय थ्री और एम एल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बाहर आ जाएगा अल्फा, तो वही सेम चीज आएगी नहीं आएगी, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आएगी 9g by 8l and then AP acceleration P is 9g by 8, तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। A particle of mass m is projected from point O with a horizontal vertical velocity u at time t equals to 0. What is its angular momentum relative to point O as a function of time t? Angular momentum पूछा है जी। देखो किसी टाइम बाद में अगर देखें पार्टिकल ऐसे मूव करता हुआ आएगा, इस पार्टिकल पे mg डाउनवर्ड लग रहा है, मैं अगर आपसे पूछूं O पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होगा तो टॉर्क अपन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो mg इनटू लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी, ये वाली डिस्टेंस जो है वो इनिशियल स्पीड पे डिपेंड करेगी, इनिशियल स्पीड सॉरी हॉरिजॉन्टल स्पीड पे डिपेंड करेगी, हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि इस तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है जो कि u के बराबर रहेगा, t टाइम बाद में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा u इनटू t, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है mg की लाइन ऑफ एक्शन से कितनी आ जाएगी u इनटू t आ गई, ये टॉर्क आ गया। और इस टॉर्क की डायरेक्शन देखें तो देखो जरा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और mg इधर है, सही है, r वेक्टर और mg वेक्टर एक तरीके से ऐसे फील कर सकते हो, r क्रॉस mg किधर आया अंदर की तरफ आया, तो x y z बाहर आएगा तो अंदर की तरफ डायरेक्शन क्या आ गई माइनस z, मतलब बोले तो माइनस का केक है, ये टॉर्क आ गया। और टो वेक्टर जो है वो dl वेक्टर बाय dt होता है जी, dt को इधर ले जाओ तो माइनस का mg u dt इधर लेके जाएंगे इंटीग्रेट करेंगे, dl वेक्टर का भी इंटीग्रेशन आएगा, l फाइनल माइनस l इनिशियल, l इनिशियल कितना है इनिशियली ओरिजिन पे था तो ओरिजिन पे ऑब्वियसली एंगुलर मोमेंटम क्या होगा जीरो होगा क्योंकि डिस्टेंस ही जीरो है उस समय, तो l इनिशियल जीरो होगा, तो mg u t का हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन, तो t स्क्वायर बाय 2 आ गया यहां पर, ये आ गया k कैप, ये आ गया l वेक्टर, सो इसका आंसर आप देख सकते हो mg u t स्क्वायर बाय 2 k कैप बट माइनस में, फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। आइए टू डिस्क आर माउंटेड, देखो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर दो डिस्क दे रखी है अपन को, दोनों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आई और टू आई है, दोनों सेम डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं रोटेट हो रहे हैं और दोनों को अपन ने माउंट कर दिया मतलब दोनों को कंबाइन कर दिया, फिर दोनों साथ साथ घूमने लग जाते हैं। अब पूछा है कि फाइनल कॉम्बिनेशन की जो एंगुलर स्पीड है वो कितनी होगी, तो इस एक्सेस के अबाउट अगर हम देखें तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि इनके बीच में जो भी फोर्स लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स है ना, ओवरऑल सिस्टम की बात करें तो नेट टॉर्क तो उसका जीरो ही होगा ना, तो इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अपन कंजर्व कर सकते हैं, इसका कितना आएगा आई ओमेगा, इसका आएगा टू आई इंटू टू ओमेगा, तो फोर आई ओमेगा एंड आई ओमेगा कितना आ गया फाइव आई ओमेगा बराबर, और जब कंबाइंड हो जाएगा दोनों साथ साथ मूव करेंगे तो नेट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना आएगा थ्री आई, और न्यू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश है तो आई से आई कैंसिल आउट हो गया, फाइव ओमेगा बाई थ्री जो है इसका आंसर आ जाएगा, सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। 44 पे आइए, देखिए ए रोड ऑफ मास 20 केजी एंड लेंथ 10 मीटर इज हिंज्ड एट ए एंड हैंगिंग वर्टिकली, ए बुलेट ऑफ मास 5 केजी मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्टिक्स टू वन एंड ऑफ द रोड, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोड जस्ट आफ्टर द कोलिजन पार्टिकल स्टिक्स टू इट। ओके तो देखो एक चीज देखो, यहां पर जैसे स्ट्राइक करेगा ना यहां पर इंपल्सिव फोर्स जरूर लगेगा हिंज पे, तो अपने काम करते हैं इसके अबाउट अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्सटर्नल जो इंपल्स लगेगा वो छत के द्वारा वो यहीं पे लगेगा और उसी के अबाउट अगर मैं टॉर्क ले लूँ तो उसका लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास होगा तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, ओ के अबाउट मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, इस पार्टिकल का मास 20 है वेलोसिटी कितनी है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना आया सॉरी
मास कितना 5 है, सॉरी 5 है, वेलोसिटी 10 है, तो मोमेंटम कितना है 5 into 10 मतलब 50 आ गया, और इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी 10 है, तो 50 into 10 हो गया एंगुलर मोमेंटम इनिशियली जब ये पार्टिकल स्ट्राइक किया। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, जब ये स्टिक कर जाएगा यहाँ पर, फिर ये दोनों पूरी असेंबली यूं घूमेगी, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पूछा है, तो अब इस एक्सिस अबाउट एंगुलर मोमेंटम देख लो कितना आएगा, इस एक्सिस अबाउट एंगुलर मोमेंटम, इस एक्सिस अबाउट आई निकालना पड़ेगा पहले, पहले तो आएगा एम एल स्क्वायर बाई 3, एम कितना है 20, एल स्क्वायर बाई 3, एल की बात करें 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 बाई 3 प्लस, ये छोटा सा पार्टिकल है एम मास का 5 केजी का, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा 5 इंटू एल स्क्वायर, 5 इंटू एल स्क्वायर, एल स्क्वायर मतलब 100 आ गया, ये लो जी। तो एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है रोड का आया है, और एक आया पार्टिकल का, और इंटू में ओमेगा कर दें, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखो ये 0000000 कैंसिल आउट हो गया, ये 20/3 और ये 5/3 है, तो 5 × 3 15 हो गया, 15 और 20 कितना आ जाएगा यहाँ पर 35, 35/3 और इधर आ गया 5, ये 7 आ गया, 3 इधर जाएगा, 7 डिवाइड में आ जाएगा 3/7 रेडियन पर सेकेंड, इसका जो है वो आंसर आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। आइए, ए थिन यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स अपर एंड, व्हेन इट इज एट रेस्ट इट रिसीव्स एन इंपल्स जे एट इट्स लोवेस्ट पॉइंट नॉर्मल टू इट्स लेंथ इमीडिएटली आफ्टर इंपैक्ट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रोड अबाउट अपर एंड इज 2jL, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोड इज 3j/ml, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोड इज 3j²/4m, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द रोड इज 3j/m, ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो ये अपर एंड के अबाउट फ्री टू रोटेट है, इसका मतलब अपर एंड जो है एक तरीके से आप ये कह सकते हो हिंज्ड है वो पॉइंट, राइट, ये तो मेंशन करने की जरूरत नहीं थी इसको, तो कुछ ऐसा है ये सीन, देखिए लेंथ एल है, ठीक है, और जो भी मास है इसका वो मास अपन देख लेंगे, और इंपल्स जो है हमने यहां पे अप्लाई किया इस पे, तो जे इंपल्स, राइट, लेट से फोर्स मैंने लगाया, फोर्स और ड्यूरेशन एफ, तो जैसे ही यहां पे झटका लगेगा इसको, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कुछ ना कुछ स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देगा आफ्टर इंपल्स बेटा, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मैं यहां पर वी मान लेता हूं, तो जब ये इस तरफ इनिशियली इस तरफ कोई मोशन नहीं थी सेंटर ऑफ मास की, तो फोर्स यहां पे लगेगा, तो इंपल्सिव फोर्स जो है यहां पर हिंज पे इस डायरेक्शन लगेगा, है इंपल्स जो है वो इस तरफ लगेगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है वो इस तरफ मूव करेगा, ठीक है, करेगा, तो ओवरऑल अगर अपन देखें तो इंपल्स जो है इस रॉड पे वो कितना लगेगा एफ माइनस, सॉरी ओवरऑल इंपल्स कितना लगेगा इंटीग्रेशन एफ डी टी, जिसको जे लिख सकते हैं अपन, जो जे दिया हुआ है, माइनस इंटीग्रेशन एन डी टी बराबर चेंज इन मोमेंटम एम इंटू वी, सेंटर मास की वेलोसिटी लेते हैं यहां पर, माइनस जीरो, इनिशियली जीरो था, तो इक्वेशन वन बन गई है। उसके बाद में टॉर्क की अगर मैं बात करूं, तो सेंटर मास के अबाउट टॉर्क लूं, तो देखो एफ का टॉर्क और एन का टॉर्क दोनों का टॉर्क ऐड हो जाएगा, और ये यूं घूमेगा ओमेगा एंगुलर स्पीड से, ठीक है। तो अब ये बताइए एंगुलर इंपल्स की अगर मैं बात करूं, तो एंगुलर इंपल्स कितना आएगा यहां पर एफ इंटू एल बाई टू डी टी और एन इंटू एल बाई टू डी टी, इसका मतलब एफ डी टी प्लस इंटीग्रेशन एन डी टी और ब्रैकेट से बाहर एल बाई टू आ जाएगा, सही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क के लिए बराबर एंगुलर इंपल्स। तो इस एक्सिस अबाउट एंगुलर इंपल्स कितना आएगा, इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा, ठीक है, इंटू ओमेगा, ठीक है जी। तो यहां से एल कैंसिल आउट हो गया एक, और ये 2 से 2 तो ये 6 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो इंटीग्रेशन एन डी टी वाला पार्ट कट जाएगा, तो ये तो जे है ना पूरा, ये भी जे है, ये वाला पार्ट तो कट गया, तो 2j इस तरफ आ जाएगा, 2j इज इक्वल टू ये आ जाएगा अपने पास। अच्छा, v की बात करें तो v को मैं लिख सकता हूं ओमेगा इंटू एल बाई टू, वी आ जाएगा अपने पास ओमेगा इंटू एल बाई टू, है ना, लीनियर स्पीड जो है, तो ओमेगा इंटू एल बाई टू आ गया यहां पर, तो m ओमेगा एल बाई टू प्लस यहां आ जाएगा m ओमेगा एल बाई सिक्स, यहां से अपन इसको ओमेगा एल को कॉमन ले लो, 1/2 1/6 ये 6 आ गया, 2, 3 और 6, 1, 3 + 1, 4 आ जाएगा, इधर आ गया 2j, तो 2, 2 जा 4, 3 जा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास जो ओमेगा है वो कितना आया 3j अपॉन में ml, सो दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा आ गया, और ओमेगा हमने यहाँ पर जो है कैलकुलेट कर लिया, तो ओमेगा मिल भी रहा है, तो 3j/ml जो है ओमेगा आ चुका है, और एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रोड अबाउट द अपर एंड इज 2jL, अपर एंड के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, अपर एंड के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम देखें भी अपन, तो इस पॉइंट के अबाउट देखो अगर आप एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करो कितना होना चाहिए,
तो वो आ जाएगा एंग्लो मोमेंटम इज ओमेगा, तो आपके पास है ना, यहाँ पर फोर्स आपने दे दिया है, देने के बाद इसने ओमेगा गेन कर लिया है ना, तो एंग्लो मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट कितना आएगा, एम एल स्क्वायर बाई थ्री, ठीक है, और इंटू में ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ओमेगा की वैल्यू है 3J बाय ML, तो एम से एम कैंसिल आउट हो गया, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, कितनी वैल्यू आएगी, J इंटू एल आएगी, लेकिन ये 2JL दे रहा है तो ये इनकरेक्ट हो गया। काइनेटिक एनर्जी भी बात करें तो काइनेटिक एनर्जी भी आप निकाल सकते हो, हाफ आई ओमेगा इसको लगा लो, तो वो जो ऑप्शन है वो मैच नहीं करेगा, और जो सेंटर पॉइंट की जो स्पीड है वो यहाँ पर 3J बाय एम दे रखी है जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू कितनी है, लीनियर ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 3J बाय ML है, 3J बाय ML रखो, और ये L बाई 2 है तो 3J बाय 2M आएगी जो कि गलत है, तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट पे चलते हैं, आइए, यूनिफॉर्म डिस्क हैविंग रेडियस आर इज स्पिन विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर एंड साइमल्टेनियसली प्रोजेक्टिंग द लीनियर वेलोसिटी वी टुवर्ड्स राइट ऑन ए प्लैंक व्हाइल प्लैंक मूव्स टुवर्ड्स राइट विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी 2v। इफ द डिस्क इनिशियली रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द प्लैंक देन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज, देखिए इधर डिस्क जो है वो रोल कर रही है, रोलिंग के लिए जो फर्स्ट कंडीशन वो यही है कि स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर और इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी जो है ना सेम होनी चाहिए, प्लैंक की वेलोसिटी 2v है और सेंटर की वेलोसिटी भी है इसकी, इसकी इसका मतलब इसका ओमेगा इधर होना चाहिए, ताकि ओमेगा इंटू आर और ये जो सेंटर की वेलोसिटी दोनों को सुपर इम्पोज करें, तो इस तरफ दोनों ऐड हो जाएंगे और वो ऐड होने के बाद कितना आएगा, वी प्लस ओमेगा आएगा, समझ में आई बात, तो डिस्क का सेंटर वी स्पीड से मूव कर रहा है और ये ओमेगा से ऐसे घूमे तो ओमेगा इंटू आर भी इधर आएगा, तो वी प्लस ओमेगा आर इस तरफ आएगा और जो कि इस वेलोसिटी 2v के बराबर होना चाहिए, तो 2v के इक्वल हो जाएगा यहाँ से, ओमेगा आर बराबर 2v सो ओमेगा आ जाएगा वी बाय आर, ओमेगा कितना आ गया, वी बाय आर आ जाएगा, और ओमेगा की डायरेक्शन अगर अपन देखें तो ध्यान से देखना, ओमेगा यू है ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, बाहर की तरफ डायरेक्शन क्या है, एक्स वाई, तो के कैप बाहर की तरफ है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आइए, ए डिस्क हैविंग प्लेन पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल इज मूविंग सच दैट द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट पी यहां पर है देखिए ये वाला पॉइंट पी है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 2j कैप मीटर पर सेकेंड एज शोन इन द फिगर, इफ रेडियस ऑफ डिस्क इज आर 1 मीटर, अच्छा देखो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 2j कैप मीटर पर सेकेंड, तो पी पॉइंट की जो वेलोसिटी है ना वो ऊपर की तरफ है, ये ध्यान रखना ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और डिस्क ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रही है, इसका मतलब ये हुआ ओमेगा के कारण इसके पास इस तरफ वेलोसिटी आएगी एक ओमेगा इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 1 है और ओमेगा 2 दे रखा है, तो 2 × 1 2 हो गया इस तरफ स्पीड, सो ओमेगा आर वाली जो स्पीड है ना 2i कैप हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान से देखना, और ये वाली जो वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है, तो अपन से पूछा सेंटर की वेलोसिटी कितनी होगी, लेट्स से सेंटर की वेलोसिटी अगर VCM वेक्टर है या VC वेक्टर जो भी है, VCM वेक्टर को इस वेलोसिटी के साथ जो आपने ये कैलकुलेट किया है इसके साथ अगर मैं सुपर इम्पोज कर दूं 2i कैप के साथ, तो आपके पास ये पी की वेलोसिटी आएगी विच इज 2j कैप, सो VCM वेक्टर कितना आया 2j कैप माइनस का 2i कैप, खत्म, तो माइनस का 2i कैप प्लस 2j कैप, इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन मिल रहा है, तो थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आइए 48, यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ इक्वल्स टू 1/2, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स 4mg इज अप्लाइड ऑन सिलेंडर एट पॉइंट p, द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द सिलेंडर एंड द फ्लोर इज, तो फ्रिक्शनल फोर्स पूछा है यहां पर इस वाले पॉइंट पर, आपने फोर्स अप्लाई कर रखा है तो इसमें 0 भी दे रखा है, mg बाय 4 भी दे रखा है, चलो देखते हैं, एक चीज देखिए इधर कि अगर मैं फ्रिक्शन को एब्सेंट भी मान लूं एक बार के लिए, या मैं ये चेक करूं फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये पॉइंट किधर जा रहा है, तो फोर्स आपने 4mg लगा रखा है यहाँ पर या f लगा रखा है सपोज, और ये 3R/2 है और यूनिफॉर्म सिलेंडर, ध्यान रखना, तो ये बताइए कि सेंटर से या पहले अगर मैं सेंटर ऑफ मास की अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करूँ, और यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ स्मूथ सर्फेस है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना आएगा, फ्रिक्शन लगाऊंगा नहीं मैं तो f के कारण जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा वो कितना आएगा, a = f/m, ये आ गया सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, और सेंटर ऑफ मास के या सेंटर के रेस्पेक्ट में अगर मैं टॉर्क देखूं तो फ्रिक्शन को मैंने लगाया नहीं अभी, टॉर्क कितना आएगा F × R/2, ये 3R/2 टोटल, तो ये R/2 बचेगा, तो F × R/2 टॉर्क आ गया इज इक्वल टू I × α, सिलेंडर का I कितना आएगा m R² / 2,
सेंटर के अबाउट इनटू में अल्फा, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, r से r कैंसिल आउट हुआ, सो अल्फा इक्वल्स टू कितना आया f अपॉन में mr, और अल्फा इनटू r कितना आ गया f अपॉन में m। तो एक चीज देखो, a जो है वो इस तरफ लेके जाएगा और अल्फा r जो है वो इस तरफ, तो a और अल्फा r दोनों बराबर आ रहे हैं यहां पर, इसका मतलब ये हुआ इस पॉइंट की टेंडेंसी ना तो इस तरफ ना इस तरफ, तो फ्रिक्शन क्यों लगेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। आइए 14 एंड 9 पे आ जाइए। ए यूनिफॉर्म सॉलिड डिस्क ऑफ मास 1 केजी एंड रेडियस 1 मीटर इज कैप्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द टू फोर्सेस मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन 4 न्यूटन हैव बीन अप्लाइड ऑन द डिस्क शोन द फिगर, लीनियर एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क इज इफ देयर इज नो स्लिपिंग, यहां पे स्लिपिंग नहीं है, अपन से लीनियर एक्सेलरेशन पूछा है, तो ये इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है, ठीक है। इसके अबाउट टॉर्क ले सकते हैं अपन, इसके अबाउट टॉर्क लूं अगर, तो ये जो बॉडी सेंटर के अबाउट जिस एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट होगी, सेम एंगुलर एक्सेलरेशन इसके अबाउट भी रोटेट होगी अल्फा से, तो इस 2 न्यूटन का टॉर्क कितना आएगा, 2 इनटू में ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पूरी 2 मीटर हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगा, तो 2 इनटू 2 ये इस तरफ घुमाएगा, और mg और n का टॉर्क 0 हो जाएगा, और फ्रिक्शन जो है उसका भी टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट 0 हो जाएगा, तो केवल 2 न्यूटन इधर वाला और 4 न्यूटन इधर वाला, 4 न्यूटन के कारण देखें तो 4 न्यूटन के कारण टॉर्क कितना आएगा, 4 इनटू में ये वाला डिस्टेंस, तो जो कि अपोजिट है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है ना, अपोजिट डायरेक्शन, तो टॉर्क इसका नेगेटिव आ जाएगा, तो -4 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर बने, सो दिस इज द नेट टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस, तो टॉर्क कितना है, 4 -4 0 आ गया, तो टॉर्क ही 0 है, तो अल्फा की वैल्यू 0, अल्फा की वैल्यू 0, तो लीनियर एक्सेलरेशन जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो एक्सेलरेशन आएगा उसको अपन सिंपली अल्फा के टर्म्स में क्या लिखते हैं, a बराबर इनटू अल्फा r, अल्फा 0 तो a की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 आएगी, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। 50 ए लोडेड 20,000 केजी कोल वैगन इज मूविंग ऑन ए लेवल ट्रैक एट 6 मीटर पर सेकंड, सडनली 5,000 केजी ऑफ कोल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ द वैगन, द फाइनल स्पीड ऑफ द वैगन इज, देखिए फाइनल स्पीड 6 मीटर पर सेकंड ही रहेगी इसकी, क्योंकि जो भी वैगन है ना, इसमें जो भी कोल भरा हुआ है, कोयला भरा हुआ है, ये एक फिक्स स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। इसका जो भी मोमेंटम होगा वो एम इंटू वी लिख सकते हैं अपन। अब आपने थोड़ा सा जो भी कोयला है वो आपने रिलीज कर दिया, रिलीज करेंगे तो उस समय जस्ट आफ्टर रिलीजिंग भैया दोनों की वेलोसिटी रहेगी तो सेम ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी दोनों की सेम रहेगी तो फिर मोमेंटम में चेंज ही नहीं आया ना एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो मोमेंटम में चेंज ही नहीं आएगा तो वेलोसिटी तो सेम रहेगी यहाँ पर, तो वेलोसिटी भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे अभी तक के सिंगल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अब अपन चलते हैं इंटीजर सेक्शन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, ए थिन वायर ऑफ लेंथ एल एंड द यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी रो इज बेंट इनटू ए सर्कुलर लूप विद सेंटर एट ओ एस ऑन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लूप अबाउट द एक्सिस एक्स एक्स डैश इज अल्फा रो एल क्यूब अपॉन 16 पाई स्क्वायर, देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज, तो एल की टर्म्स में अपन से जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स डैश के अबाउट पूछा है, तो एक चीज देखिए, इसका मास अगर एम अज्यूम करूं तो इस रिंग का, ये रिंग है, रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 डायमीटर के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट कितना आएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, पैरेलेक्सिस थ्योरम लगा करके आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हो, तो आई एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 विच इज 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये जो लेंथ है पूरी एल है ना, तो आर की टर्म्स में नहीं देना हमें, एल की टर्म्स में देना, तो मैं लिख सकता हूं एल इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर, और जो m है मास जो है, क्योंकि कंप्लीट लेंथ अगर l है और रो अगर डेंसिटी है लीनियर डेंसिटी, तो मैं लिख सकता हूं m इक्वल्स टू रो इनटू l, ये वाली वैल्यू यहां रखनी है बस और कुछ नहीं है, तो रखते हैं चलो 3 बाई 2 m की वैल्यू रख दो रो इनटू l, और r स्क्वायर है ध्यान रखना, तो r आ जाएगा l बाई 2 पाई, तो l स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, तो यहां से अब देख लेते हैं इसको क्या ऑप्शन दे रहा है, तो अल्फा रो l क्यूब, तो रो l क्यूब तो ये आ गया अपॉन 16 पाई स्क्वायर है, तो 4 यहाँ पे आ रहा है ना, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इधर आएगा, तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 2 ऊपर ले जाओ, ये लो, तो ये हो गया 4 इंटू 4 16 आ गया नीचे डिवाइड में, और ऊपर कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, तो अल्फा रो एल क्यूब है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। Uniform solid sphere of radius r having moment of inertia i about its diameter is melted to form a uniform disk of thickness t and radius small r. देखिए r radius का एक solid sphere है, mass इसका m मान लिया, इसका diameter के about moment of inertia i है which is 2 by 5 mr square, ये अपन जानते हैं, इसको आपने पिघला करके एक disk बना दी,
इसकी थिकनेस टी है, तो एक सिलेंडर बन गया ये, ठीक है, टी थिकनेस का, और रेडियस इसकी स्मॉल आर मान लेता हूँ, तो मास तो सेम ही है, डेंसिटी भी सेम है ऑब्वियसली, तो वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन रिलेशन लिख ही लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती भी लग रही है यहाँ पर। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, इसका वॉल्यूम आएगा 4/3 πr³ आ गया, और उसका वॉल्यूम कितना आएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू टी, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, देखते हैं आगे जरूरत पड़ेगी तो इसको यूज कर लेंगे। अब इसका इस एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एज, ओके, इस एज से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस डिस्क का, देखो इसका अगर एम है, रेडियस आर है, तो इसके अबाउट कितना आएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू, तो इसके अबाउट कितना आएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर प्लेन, तो इस एक्सिस अबाउट पूछा तो एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर, तो 3/2 एम आर स्क्वायर आया कि नहीं आया, ये 3/2 एम आर स्क्वायर आया, ठीक है। प्लेन इज 100 i, 100 i मतलब i जो ये दे रखा है आपको इसका 100 टाइम्स है, तो इसको 100 इंटू में 2/5 एम आर स्क्वायर लिख देते हैं अपन, तो m से m ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर t की वैल्यू अल्फा आर की टर्म्स में दे रखी है, तो स्मॉल r नीचे है यहाँ पर, तो स्मॉल r की वैल्यू वहां से अपन पुट कर देंगे, तो देखिए 3/2 स्मॉल r स्क्वायर वहां से कितना आएगा, 4/3 कैपिटल r क्यूब अपॉन में t, सही है, इज इक्वल टू ये आ गया 100, ये आ गया 2/5 आर स्क्वायर। बाकी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, तो 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, राइट। यहां से आर स्क्वायर, ये आर बचेगा, टी इधर ले जाइए, टी की वैल्यू अल्फा है, तो और 5 को इधर ले जाइए, तो टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5r/100, तो आंसर आ जाएगा 5r/100, तो टी बराबर अल्फा आर, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 5/100 मतलब 0.05, तो 0.05 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 0.05, ओके। चलिए नेक्स्ट पे चलें, आइए, द डिस्क ऑफ रेडियस आर हैज ए मास 9m, ए होल ऑफ रेडियस आर बाय 3 इज कट फ्रॉम इट एज शोन द फिगर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ओ ऑफ द डिस्क एंड द परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ऑफ द डिस्क इज लैम्डा एम्स आर स्क्वायर, वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, तो अगेन वही सिंपल अप्रोच, पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस अबाउट अपन निकाल लेंगे, कितना आएगा, मास 9m है, तो 9m r रेडियस है, r स्क्वायर बाय 2 यही आएगा इस एक्सिस अबाउट, माइनस अब इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है, तो इस डिस्क का मास कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसका जो रेडियस है वो कितना है, r बाय 3 है ना, तो पूरा मास अगर 9m है तो मास डेंसिटी कितनी आएगी, 9m अपॉन में पाई r स्क्वायर इनटू में इस डिस्क की रेडियस कितनी है, r बाई 3 है, तो इसका एरिया कितना आएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर, 9 से 9 कैंसिल आउट हो, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो, तो मास इसका डिस्क का कितना आया, स्मॉल m के बराबर आया। तो इस छोटी वाली डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आएगा, वो अपन कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले इस एक्सिस अबाउट देखते हैं, इसके सेंटर के अबाउट, वो कितना आएगा, m इंटू में रेडियस कितनी है इसकी, r बाई 3, तो आर स्क्वायर बाई 9 बाई 2 है ना, तो ये इस छोटी सी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस अबाउट आ गया, प्लस में मास m इनटू में ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, d का स्क्वायर, तो 2r/3 का स्क्वायर करोगे तो 4r²/9 आ गया, 2r/3 का स्क्वायर 4r²/9 आ गया, ठीक है। चलिए तो यहां तक हमने इसको सॉल्व कर लिया है, तो ये 9 जो है ये डिवाइड में ले आइए, यहां पे भी 9 है तो इसका 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 8 आ गया, ऊपर 1 है, 1+8 9 आ जाएगा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, mr²/2 आ गई, इधर आ जाएगा 9mr² by 2 minus 1, 9 minus 1 8 by 2 मतलब 4mr², तो आंसर जो है 4mr² के बराबर आएगा, लैम्डा mr² के टर्म्स में दे रखे, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ओके। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, क्वेश्चन नंबर 4, इन ए कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल द कार्बन एंड द ऑक्सीजन एटम्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 1.1 × 10⁻¹⁰ द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द कार्बन एटम इन 10⁻¹⁰ m न्यूटन यूनिटीज, तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, कार्बन एटम ऑक्सीजन है ना CO, इसके रेस्पेक्ट में सेंटर मास यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, ये बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है, कार्बन का मोलिकुलर एटॉमिक वेट की अगर बात करें तो 12 हो जाएगा, 12 mu, और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 amu, तो ये डिस्टेंस अपन को दे रखी है, सपोज ये डिस्टेंस d है, तो बताइए सेंटर मास की डिस्टेंस कितनी आएगी, 12 × 0 + 16 × d अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 16 प्लस 12 कितना आ जाएगा 28, 4 से कट कर दो तो वैल्यू आएगी 4d/7,
फोर इंटू 1.1 है, 10^-10 तो आएगा ही आएगा, उसी यूनिट में देना है अपन को, तो वो तो लिखना नहीं है अपन को, तो 1.1 ही लिखो, 0.7 लिखो, तो ये कितना आ गया 4.4 अपॉन में 7, इससे डिवाइड करना पड़ेगा जी, तो 0. ये आ जाएगा 0.6 है ना, तो ये 42 आ जाएगा, दो बचेगा, एंड देन फिर 20, यहाँ कितना बचेगा 7 × 2 तो 14 आ गया, फिर 6 बचेगा, देन 0, 60, तो 60 में 7 को डिवाइड अगर अपन करें तो ये 7 से ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब राउंड फिगर में करें तो ये 3 हो जाएगा, तो 0.63 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आइए। ए रोड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज बेंट इनटू शेप ऑफ l, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस शोन इन द फिगर इज ml² / k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज, तो इस एक्सिस अबाउट i पूछा है, तो अगेन सिंपल क्वेश्चन है, इस वाले पार्ट की बात करें तो लेंथ पूरी कंप्लीट l है जी, है ना, तो ये l/2 बचेगा, मास आधा है ना, तो ये भी l/2 बचेगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस अबाउट कितना आएगा, ml² / 3 वाला फॉर्मूला लगा दो, तो m की जगह m/2, l² मतलब l² / 4 / 3, तो ये तो इस एक्सिस अबाउट आई आ गया प्लस में। अब इस वाले का देखा जाए तो इससे डिस्टेंस l/2 ही तो है यहां से यहां तक, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट आप लिख सकते हो मास m/2 इनटू में ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर l² / 4, ये वैल्यू आ गई, तो यहां से आप लिख सकते हो, तो 2 × 4 = 8 और ये 3 है, तो ml² / 24 आ गया, और ये आ जाएगा ml² / 8, सही है। आंसर जो है ml² / k की टर्म्स में अपन को देना है, तो 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 + 1 = 4 ml² / 24 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, तो ml² / 6 आया ना, सो ml² / 6 मतलब k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ए डिस्क ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R इज रोलिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन द फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क अबाउट द ओरिजिन O इज अल्फा m² / ओमेगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम पूछा है, देखिए O के अबाउट सबसे पहले सेंट्रो मास का देखेंगे अपन, सेंट्रो मास का एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, एम वी लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज R, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन किधर आ रही, अंदर की तरफ। एक सेंट्रो मास के अबाउट इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम, तो सेंट्रो मास के अबाउट जो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम आएगा वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण अपन इसकी एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम उसके बराबर रख सकते हैं, एक्सिस अबाउट कितना आएगा, ICM × ओमेगा, ICM इज mr² / 2 × ओमेगा, और रोल कर रहा है ये, है ना, रोलिंग कर रहा है, तो वी बराबर ओमेगा हो जाएगा, तो अपन को ओमेगा की टर्म्स में चाहिए, तो ओमेगा इंटू आर, आर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 3/2 mr² ओमेगा हो जाएगा, तो 3/2 mr² ओमेगा, अल्फा की वैल्यू पूछी तो अल्फा इक्वल्स टू 1.5, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल रिलेटिव टू अ पॉइंट ओ वेरीज विद टाइम जे वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस बीटी स्क्वायर, ये डार्क लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये वेक्टर फॉर्म ही है, सो जे वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर टी स्क्वायर, where a vector and b vector are constant vectors with a vector perpendicular to b vector, the moment of force tau relative to the point O acting on the particle when the angle between the vectors tau vector and j vector equals to 45 degrees alpha root ab, then find the value of alpha, देखो j vector हमें given है यहाँ पर, a और b दोनों mutually perpendicular हैं, ये ध्यान रखना अपन को, और a vector and b vector का magnitude जो है वो a और b है, simple, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ओके अबाउट टॉर्क निकालना पड़ेगा, तो जे वेक्टर हमें गिवन है, एंगुलर मोमेंटम गिवन है, तो सीधी सी बात, इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो वेक्टर आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट वेक्टर है, बी भी कांस्टेंट वेक्टर है, डिफरेंशिएशन का 0 हो जाएगा, और बी टी स्क्वायर का आ जाएगा 2b vector t, ये एंगुलर टॉर्क आ गया। अभी कह रहा है कि टोर जे के बीच में एंगल 45 डिग्री है, तो अगर एंगल इनके बीच में 45 डिग्री तो टाइम कितना होगा, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करवाओ, सबसे पहले इस वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएं अपन, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, परपेंडिकुलर है, इन दोनों का करवाएं तो कितना आएगा 2b² t² × t t³ बराबर j का मॉडुलस कितना आएगा a² + b² t⁴, टो का मॉडुलस 2 टो का मॉडुलस आ गया 2bt, और एंगल 45 डिग्री तो cos 45 मतलब 1/√2, ये वैल्यू आ गई। यहां से अगर हम देखें तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गई, ये b से और t से भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये t² बचेगा,
होल स्क्वेयर कर दे, रूट टू को उधर ले जाओ, होल स्क्वेयर कर दे तो टू बी स्क्वेयर आएगा, इधर टी की पावर फोर आ गया, इधर आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर टी की पावर फोर। तो यहाँ से ये वैल्यू अपने लिख ली। अब देखो ए टू बी स्क्वेयर टी की पावर फोर, बी स्क्वेयर टी की पावर फोर, तो यहाँ से कितना बचेगा, बी स्क्वेयर टी की पावर फोर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर। टी की वैल्यू यहाँ से कितनी है, अंडर रूट में ए बाई बी, ये टो आ गया, टी आ गया। और इस टाइम पे टॉर्क की वैल्यू पूछी अपन से, मैग्नीट्यूड दे रखा अपन को, तो टॉर्क की जो वैल्यू है टू बी टी है, मैग्नीट्यूड में अगर अपन बात करें तो टू इंटू बी इंटू टी, वैक्टर हटा दिया मैंने, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ जाएगा अंडर रूट में ए बाई बी, तो अंडर रूट बी कट जाएगा, तो अंडर रूट ए बी इंटू में टू, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू के बराबर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आइए, कंसीडर ए बॉडी कंसिस्टिंग टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच ऑफ मास कैपिटल एम कनेक्टेड बाय अ लाइट रिजिड रॉड ऑफ लेंथ एल। इफ एन इंपल्स जे एम वी इज इंपार्टेड टू द बॉडी एट वन एंड ऑफ इट्स एंड्स, इट्स एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स अल्फा वी बाय एल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। देखो जे एंगुलर इंपल्स आपने अप्लाई किया है ना, सेंटर ऑफ मास मूव करेगा फिर किसी ना किसी स्पीड से, मान लीजिए वी सी एम, वी सी स्पीड से मूव किया, तो जो जे है उसको अपन लिखेंगे एम वी विच इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम, राइट। तो जो भी इंपल्स आपने अप्लाई किए है वो चेंज इन ऑफ मोमेंटम है सिस्टम के, और वो सेंटर ऑफ मास को अपन कंसीडर कर सकते हैं, तो टू एम इंटू वी सी आ जाएगा। ठीक है, तो जे इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल जीरो, फाइनल आ जाएगा टू एम इंटू वी सी, एम से एम कैंसिल आउट हुआ, वी सी की वैल्यू आ गई वी बाई टू, सेंटर ऑफ मास की स्पीड आ गई। ठीक है, अब हमें ओमेगा कैलकुलेट करना है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर अपन देखें, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप एंगुलर इंपल्स यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मैं देखूं तो एंगुलर इंपल्स कितना आएगा, तो लीनियर इंपल्स कितना है, एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली कितनी आ जाएगी, एल बाई टू। ठीक है, ये आ गया एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो इसके अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम में चेंज अगर देखूं, तो इनिशियल तो जीरो था, फाइनल कितना आ गया, ऐसे घूमेगा ये, ओमेगा एंगुलर स्पीड आ गई इसके पास, ओमेगा एंगुलर स्पीड आएगी तो ये रोटेट होगा इस तरीके से, तो आई इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर इसके अबाउट, वैसे ऊपर वाले की वैसे कोई नीड नहीं थी, आई इंटू ओमेगा करें तो इसके एक्सिस अबाउट आई कितना आएगा, आई आ जाएगा एम, ये कितना आएगा एल बाई टू, एल स्क्वायर बाई फोर, और उसका भी सेम ही आएगा टू एम एल स्क्वायर बाई फोर इंटू में ओमेगा, है ना। तो ओमेगा वैसे पूछा है तो इसकी वैसे कोई नीड नहीं थी, खैर एम एल कैंसिल आउट हो गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v बाय l ओमेगा के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो ये क्वेश्चन नंबर जो था वो 8 था अपने पास, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ए स्फीयर इज गिवन सम एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू द सेंटर and gently placed on a plank with coefficient of friction mu बराबर 0.5. The plank rests on a smooth horizontal surface. If g is this, then the initial acceleration of the sphere relative to the plank is. देखो mu की वैल्यू आपको दे रखी है, तो शुरुआत में तो स्लिपिंग होगी, तो जब ये स्फीयर को आप रखोगे तो शुरुआत में स्लिपिंग होगी, तो ये यू इस तरफ घूम रहा है, तो इसकी पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे लगेगा, और ऑब्वियसली काइनेटिक होगा fk, fk की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो कितना आएगा, म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू mg आ जाएगी, n mg एक दूसरे के बराबर होंगे, तो इसके पास एक्सेलरेशन कितना आएगा, इसको f बराबर ma के बराबर रख दूं तो m से m कैंसिल आउट हो, तो a बराबर कितना आया, म्यू g के बराबर आया कि नहीं आया, तो इसके सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो म्यू इंटू जी के इक्वल है। नीचे प्लैंक की बात करें तो भैया सीधी सी बात है, जितना फ्रिक्शन इस गोले पे लगेगा सेम अमाउंट का फ्रिक्शन प्लैंक पे भी लगेगा, और प्लैंक का भी इवन मास क्या है, सेम लिया है यहाँ पर, है ना, मास ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू मास ऑफ प्लैंक, इसका मतलब मास इसका सेम है, फ्रिक्शन दोनों पे बराबर लग रहा था, इसका मतलब एक्सेलरेशन प्लैंक का भी सेम आएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन आएगा, विच इज म्यू इंटू जी। रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन स्फीयर रिलेटिव टू द प्लैंक, ठीक है, तो ऑब्वियसली दोनों एक्सेलरेशन अपोजिट है तो जुड़ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी टू म्यू जी, टू म्यू की वैल्यू 1/2 है और जी की वैल्यू जी है, 2 से 2 कटा, जी की वैल्यू यहाँ पर 10 दे रखी है आपको, सो आंसर इज 10। आइए, ए सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन ए प्लैंक इज शोन इन द फिगर, द एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ द प्लैंक टू कीप द सिलेंडर इन फिक्स्ड पोजीशन ड्यूरिंग द मोशन इज। तो
प्लैंक जो है आपको ये जो दे रखा है प्लैंक, इसका एक्सेलेरेशन आपसे पूछा है कितना एक्सेलेरेशन रखें अपन जिससे कि ये जो सिलेंडर है ना ये इसी पोजीशन पर रखे और ये स्लिप ना हो, रोल कर रहा है, मतलब ऐसी कंडीशन है। प्लैंक का एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ रखना ए, और ये जो सिलेंडर है ना सिलेंडर रोल भी कर रहा है, तो अगर ये एक्सेलेरेशन ए है प्लैंक का ऊपर की तरफ तो इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन भी ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, और ये रोल कर रहा है ऐसे, तो अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन से मान लें अपन, तो अल्फा इनटू आर पीछे की तरफ आएगा और इसका एक्सेलेरेशन जो है ठीक है एक्सेलेरेशन कितना लें इसका, ए डैश मान लेता हूँ, चलो इसका एक्सेलेरेशन ए डैश ऊपर की तरफ और अल्फा इनटू आर पीछे की तरफ आएगा, तो इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन कितना आएगा, ए डैश माइनस अल्फा आर, ये आ गया। तो स्लिपिंग नहीं हो रही है इसका मतलब दोनों पॉइंट का एक्सेलेरेशन सेम होना चाहिए, तो ए डैश माइनस अल्फा आर इज इक्वल टू ए आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये कंडीशन अपन यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ए डैश इज इक्वल टू, अच्छा ए डैश की बात करें तो ये जो सिलेंडर है ये रोल कर रहा है इसके ऊपर, लेकिन ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखें तो सिलेंडर का मूवमेंट नहीं हो रहा, सिलेंडर मूव नहीं कर रहा, तो ए डैश की वैल्यू कितनी है यहाँ पर उस केस में, जीरो है, तो ए डैश अगर जीरो है तो ए बराबर कितना आ गया यहाँ पर, अल्फा इंटू आर आ गया, ठीक है, ए बराबर अल्फा इंटू आर आ गया। तो हमसे यहाँ पर ए की वैल्यू पूछी है, जी की वैल्यू दे रखी है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है हमें, राइट, तो अब यहाँ ए और अल्फा के बीच में रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, तो आइए जरा फ्रिक्शन लगा देते हैं इस पे, यूं जा रहा है तो फ्रिक्शन मैं ऊपर की तरफ मान लेता हूँ, ठीक है, इस सिलेंडर पे वापस आए, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है, एम जी साइन थीटा इधर लगेगा, ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, ए डैश जीरो है, राइट, सो एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। सेंट्रो मास के बोर्ड देखें, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो इस तरफ आएगा कुछ, या जो है वो इस तरफ कंसीडर करेंगे अपन, है ना, ओके सॉरी यहाँ पे हाँ एक मिस्टेक कर दी, ये अल्फा जो है इस तरफ आएगा, देखो बेटा अल्फा इस तरफ आएगा, ए इस तरफ है अल्फा इस तरफ है, तभी तो ए डैश प्लस अल्फा आएगा जो कि ए के बराबर रखना है, तो ए डैश की वैल्यू जीरो है तो ए बराबर अल्फा रखना है, ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है यूं रोटेट करेगा इसको इस एक्सिस के अबाउट, तो फ्रिक्शन का टॉर्क कितना आएगा यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट, एम जी का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, एफ इंटू आर बराबर आई इंटू अल्फा, सिलेंडर ही है तो सिलेंडर का आई कितना आएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू में अल्फा, तो एफ आर की जो वैल्यू आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो यह आ जाएगा एम जी साइन थीटा बराबर एम आर बाई टू इंटू अल्फा, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, अल्फा आर की वैल्यू कितनी है, टू जी साइन थीटा आगे देखो, सो अल्फा आर इक्वल्स टू टू जी साइन थीटा जो कि ए के बराबर आएगा, तो आंसर जो है यहाँ पर आ जाएगा टू जी साइन थीटा, टू इंटू जी की वैल्यू 10 है, साइन थीटा साइन 30 की वैल्यू 1 बाई टू, टू से टू कैंसिल आउट, आंसर अगेन कितना आया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आइए, यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड गिवन लीनियर वेलोसिटी वी नॉट एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट इज शोन, द स्फीयर कम्स टू रेस्ट आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस टू द राइट, इफ द वी नॉट लैम्डा ओमेगा नॉट आर देन वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, देखो ये अगर कुछ देर बाद में रुक जाता है इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम जीरो हो गया ना, इस ऑब्जेक्ट पर अगर मैं देखूं तो लीनियर जो मोशन है सेंट्रल मास की वेलोसिटी इस तरफ और ओमेगा आर भी आगे की तरफ होगा, तो ये पॉइंट साफ साफ नजर आ रहा है आगे की तरफ जा रहा है, स्लिपिंग होगी यहाँ पर, तो फ्रिक्शन इस पॉइंट पर इस तरफ एक्ट करेगा एंड फाइनली जब ये रुक जाएगा तो फ्रिक्शन जीरो हो ही गया सब कुछ, तो अगर मैं देखूं फ्रिक्शन की लाइन ऑफ फ्रिक्शन यहाँ से पास हो रही है, तो अगर मैं कोई एक फ्रेम कंसीडर कर लूँ ये पॉइंट ओ कंसीडर कर लूँ, तो ओ से फ्रिक्शन की लाइन ऑफ फ्रिक्शन पास होगी, तो मैं बोल सकता हूँ ना टॉर्क जो है इस ऑब्जेक्ट या सिस्टम पर वो ओ के अबाउट जीरो लगेगा, तो ओ के अबाउट अगर टॉर्क जीरो तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए, और एंगुलर मोमेंटम फाइनली जीरो है तो इनिशियल भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो एल कांस्टेंट रहेगा और एल की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी, वो जीरो करना है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो सेंट्रो मास का कितना आएगा, एम वी नॉट इंटू आर, इसका रोटेशन देखें तो इस तरफ आएगा सेंट्रो मास के कारण अंदर की तरफ, और ओमेगा नॉट आई सी एम इंटू ओमेगा नॉट जो बाहर की तरफ आएगा, तो ऑब्जेक्ट का सेंट्रो मास के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम आएगा कितना आएगा, माइनस ICM ये यूनिफॉर्म स्फीयर है 2/5 MR स्क्वायर इनटू में ओमेगा नॉट, ये लो जी एंगुलर मोमेंटम लिख दिया मैंने, और टोटल कितना करना है, जीरो के बराबर करना है क्योंकि फाइनल जीरो हो जाएगा, यहाँ से अपने पास M हट जाएगा, इधर जीरो है, R भी हट जाएगा, सो V नॉट इक्वल्स टू 2/5 ओमेगा नॉट R, 2/5 कितना होता है, 2/5 आ जाएगा 0.4, ठीक है, तो 0.4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ,
A ring of mass m and radius r has four particles, each of mass m attached to the ring as shown in the figure. The center of the ring has speed v naught. If ring is in pure rolling motion, then the kinetic energy of the system is alpha m naught v square. Find the value of alpha is. तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी अपन को निकालनी है। आइए इस चारों पार्टिकल देख लो किस पोजीशन पर रखे हैं। तो सेंट्रल मास तो यहीं पे आएगा सिस्टम का, ठीक है, यहाँ आया। तो इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी अगर अपन को कैलकुलेट करनी है, एक तो सेंट्रल मास की ले लो, हाफ पूरा मास कितना आएगा, 4m, तो ये है और रिंग का m है तो 5m आ गया। और सेंट्रल मास की वेलोसिटी v नॉट, तो v नॉट स्क्वायर प्लस में आएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई मतलब आईसीएम, सेंट्रल मास के अबाउट, सेंट्रल मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, रिंग का कितना आ जाएगा एम आर स्क्वायर। और ये जो छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं उनकी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस आर के बराबर है सबकी, तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर मतलब 4 एम आर स्क्वायर आएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा, अगेन 5 एम आर स्क्वायर इनटू में ओमेगा स्क्वायर। और ये रोलिंग कर रहा है तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, वी नॉट बाय आर, सो वी नॉट स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो 5 एम वी नॉट स्क्वायर, 5 एम वी नॉट स्क्वायर बाय 2 मतलब 10 एम वी नॉट स्क्वायर बाय 2 मतलब 5 एम वी नॉट स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर, 5 आ जाएगी, 5 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। 13 पे आ जाओ। ओके, 13 जो है हमसे ये वैल्यू पूछी है, स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर एंड यूनिफॉर्म थिकनेस इज डिवाइडेड इनटू 4 स्क्वायर्स, द स्क्वायर पोर्शन ए, जो भी ये पोर्शन आपको दिख रहा है शेडेड रीजन वाला, इसको रिमूव कर दिया और इसको यहां पर प्लेस कर दिया इस वाले पोर्शन पे। The new position of center of mass is xcm and ycm, then value of x plus y is, x plus y की value हमसे पूछी है यहाँ पर, ठीक है। तो एक चीज देखिए, जो ये portion आपने, जैसे अगर मैं चारों portion की बात करूँ, ठीक है, तो सबका mass same होगा mmm, और square की जो side length है 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये वाली कितनी आई 2 आई, ये भी कितनी आएगी 2 आएगी, ये भी 2, ये भी 2, सबकी 2 2 साइड आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ इन दोनों के लिए, है ना, इन दोनों का, इन दोनों के लिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तो यही आएगी, एग्जैक्टली सही। तो यहां पर इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, मास तो हो जाएगा क्योंकि पूरा जो मास है मान लो m, m m मानू मैं हर पोर्शन का, तो मास तो आ जाएगा इसका 4m, और सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आप देख लीजिए 2 सेंटीमीटर इधर 2 सेंटीमीटर इधर, ठीक है, ये माइंड में रखना आप 2.2। अब मैं इस वाले पोर्शन को यहां पर अटैच कर देता हूं, ध्यान रखना इन दोनों को ऑलरेडी मैं कंसीडर कर चुका हूं, अब इस वाले पोर्शन को यहां अटैच कर देता हूं और एक पोर्शन यहां पर है। अब इन दोनों का जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहीं ना कहीं यहां पे आएगा इस वाली लाइन पे, अगर आप गौर से देखो तो यहां पे, और अगेन इसका मास भी कितना आएगा 2m आएगा। एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूं, एक्स कोऑर्डिनेट यही रहेगा 2 के बराबर, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट की अगर अपन बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट ध्यान देना ये तो 2 है और ये भी 2 है, लेकिन ये 1 आएगा ना इतना, ठीक है, तो 2 एंड 1 3 हो जाएगा, 2.3 हो गया, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास जो है मतलब पोजीशन निकाल ली। अब कंबाइंड सेंटर ऑफ मास को देखना अपन को, तो सबसे पहले एक्सियम की बात करें तो एक्सियम ऑब्वियसली क्योंकि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यही है तो एक्सियम भी यही लाइक रहेगा, तो एक्सियम तो कन्फर्म है, एक्सियम जो कन्फर्म वो तो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। वाईसीएम की बात करते हैं, चलो वाईसीएम देखते हैं, तो वाईसीएम के लिए सबसे पहला मास जो है यहाँ पे सॉरी 2m आएगा ना ये, हाँ मास mm 2m, इन दोनों का भी 2m आ जाएगा, ओके। तो x ycm की बात करें, इसके लिए बात करें सबसे पहले तो 2m y कोऑर्डिनेट कितना है इसका 2 प्लस, नेक्स्ट वाले के लिए 2m y कोऑर्डिनेट कितना आएगा 3 अपॉन में 2m प्लस 2m मतलब 4m आ जाएगा, सही है। तो 2m प्लस 2m 4m आ चुका है यहाँ पर, ओके। अब इसको देख लेते हैं, तो ये कितना आया m m m कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 4, ये आ गया 6, तो ये 6 और 4 10 हो गया, 10 बटा 4 आ गया, है ना, 2 5 ये 2.5 आ गया। तो 2.5 YCM है और XCM आ गया 2, एंड 2 प्लस 2.5 आपसे पूछा है, X प्लस Y पूछा है, तो आ जाएगा 4.5, इसका आंसर आ जाएगा 4.5। 14 पे चलिए। A train of mass m is moving on a circular track of radius r with constant speed v. The length of the train is half the perimeter of the track. The linear momentum of the train is lambda mv by pi. Then find the value of lambda. Okay. तो देखो ये circle है, radius जो है वो r है और train की जो length है वो इसकी circumference का आधा है, ऐसा सही है। तो एक तरीके से half ring बन गई है।
और इस हाफ रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो यहाँ पे होता है कहीं ना कहीं, 2r/5। और सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है वो पता नहीं है, मैं vcm मान लेता हूँ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का जो लीनियर मोमेंटम होता है ना वो m into vcm होता है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो इसका जो मास अगर ट्रेन का अगर m है तो m into vcm आप लिख दोगे तो ये लीनियर मोमेंटम आ जाएगा। अब vcm की बात करें, लीनियर स्पीड अपने पास कितनी है, v है, ठीक है, v है ना। तो ओमेगा जो आएगा इस एक्सिस के अबाउट, ओमेगा आ जाएगा v by r, तो ओमेगा v by r आ गया, ओमेगा v by r के बराबर आ गया। और ओमेगा को अगर मैं 2r by pi जो कि सेंटर मास की डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दूं तो vcm भी हमारे पास आ जाएगा। समझ आई बात? तो इनटू में 2r by pi कर दो तो r से r कैंसिल आउट हो, तो vcm की वैल्यू आ गई 2v by pi, ये वैल्यू रख दो यहां पर, तो 2mv by pi। तो इससे अगर कंपेयर करें तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, आंसर आ जाएगा इसका 2। फिफ्टींथ पे आ जाइए, टू आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ इक्वल मासेस एम ए एंड बी आर लाइंग ऑन ए स्मूथ सरफेस एज शोन द फिगर, बॉल ए हिट्स द बॉल बी व्हिच इज एट रेस्ट विद ए वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई बिटवीन ए एंड बी सो दैट द बी जस्ट रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंक्लाइन प्लेन। यहां पे पहुंचाना है इसको। अब सीधी सी बात है, इस कोलिजन के बाद में लेट्स से इसकी स्पीड वी डैश है और अगर यहां तक पहुंचा तो वी डैश की वैल्यू कंफर्म है अंडर रूट 2gh के बराबर होगी। एच 5 दे रखा है, 5 इंटू 2 मतलब 10 हो गया, और जी की वैल्यू भी 10 आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो 100 हो गया, 100 का अंडर हो जाएगा 10, तो वी डैश की वैल्यू 10 हो गई। अब कुछ नहीं करना, देखो ए की वेलोसिटी पहले कितनी थी, 16 थी, बी की 0 थी, मास सेम है दोनों का, ठीक है, ए की पता नहीं है टक्कर के बाद में, लेकिन बी की पता लग चुकी है, 10 आ चुकी है। इसकी वेलोसिटी अपन कुछ मान लेते हैं, वी डबल डैश मान लिया, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ तो एम इंटू 16 ये 0 हो जाएगा, एम इंटू v dash, v double dash, plus m into 10, m कट जाएगा सबसे, तो v dash, v double dash की वैल्यू कितनी आई, 6 आ गई ना, तो here v double dash is 6, तो ये वैल्यू 6 के बराबर आ चुकी है, ये 10 है, तो e की वैल्यू अगर अपन से पूछे, तो वेलोसिटी सेपरेशन कितना आया, 10 minus 6 मतलब 4, और वेलोसिटी अप्रोच कितना आया, 16, 4 by 16 मतलब 1 by 4, 1 by 4 कितना आ जाएगा, 0.25, तो e की वैल्यू 0.25 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, सबसे पहले क्या है, कैपिटल एम जो मास की जो प्लेट है वो फिक्स्ड है, बुलेट आई स्मॉल एम मास की, ठीक है, और इसकी स्पीड मान लो वी, राइट, या वी नोट माना चाहो, वी नोट मान लो, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है कुछ हाफ एम वी नोट स्क्वायर। जब ये पेनिट्रेट करेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है पेनिट्रेशन के कारण अपोजिट लगेगा एंड देन फाइनली इसको स्टॉप कर देगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण वर्क डन कितना आएगा, माइनस एफ मान लेता हूँ इनटू एच, एच थिकनेस तक ये पेनिट्रेट करता है, एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन थ्योरम से अगर अपन बात करें तो वो जीरो हो जाएगा, सही है, या ये कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी चेंज है वो इधर आ जाएगा, तो ये ओवरऑल मैं जो यहाँ पर इक्वेशन लगा रहा हूँ मैं ये कह सकता हूँ जो काइनेटिक एनर्जी वो फ्रिक्शनल जो एनर्जी है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, वो खा जाएगा उसको, तो एफ एच की वैल्यू हाफ एम वी नोट स्क्वायर के बराबर आ जाएगी, और यहाँ से अपने पास एक इक्वेशन ये बन चुकी है, ठीक है। दूसरे केस में क्या है कि ये फ्री टू मूव है, फ्री टू मूव है, इसका मास कैपिटल एम है, कोलिजन होगी, दोनों साथ चलेंगे तो इनिशियल मोमेंटम एम वी नोट है, साथ चलेंगे तो फाइनल जो स्पीड है वो मान लो वी होगी, वी की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, एम वी नोट अपॉन में एम प्लस स्मॉल एम। तो इस दौरान जो एनर्जी में जो लॉस होगा वो लॉस फाइंड करते हैं अपन, सबसे पहले लॉस कौन करेगा, फ्रिक्शनल वर्क की ना, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस बुलेट की इतनी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्योंकि दोनों को दोनों साथ मूव करेंगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन में एम प्लस स्मॉल एम का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा एक, तो यहाँ से हाफ एम वी नॉट स्क्वायर को आप कॉमन ले लो और ब्रैकेट में यहाँ पे वन बचेगा तो एम प्लस स्मॉल एम आ गया इस तरफ, माइनस यहाँ केवल स्मॉल एम बचेगा ना, एम ऑलरेडी मैं कॉमन ले चुका हूँ, तो एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू आ चुकी है एम स्मॉल एम वी नॉट स्क्वायर बाई टू, ये लॉस आया, और जो ये लॉस है, ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है शायद, अच्छा एम प्लस स्मॉल एम भी तो आएगा डिवाइड में, तो ये लॉस आ गया, और लॉस जो है वो फ्रिक्शनल वर्क में खर्च हो जाएगा, तो एफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वैसे ही पहले की तरह, एच डैश अब पेनिट्रेशन डेप्थ है। अब यहाँ से उस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे अपन और वैल्यू रखेंगे, देखो एम वी नोट स्क्वायर बाई टू जो है एफ एच के बराबर, तो
एम वी नॉट स्क्वायर बाई टू जो एफ एच के बराबर होगा, इसको एफ एच रख दो आप, इसको हटा दो और बाकी एफ से एफ कैंसिल आउट हो गया, तो एच की वैल्यू आ जाएगी, एच डैश की वैल्यू आ जाएगी एच इंटू एम अपॉन में एम प्लस स्मॉल एम, एच इंटू में एम अपॉन में एम प्लस स्मॉल एम। देखो इसको वन यूनिट दिया है तो इसका मतलब अगर पेनिट्रेशन डेप्थ पूछी है तो ऑब्वियसली कितनी आ जाएगी, वन के बराबर आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, वन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ए पार्टिकल ए मेक्स ए हेड ऑन कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन है विद अनदर स्टेशनरी पार्टिकल बी, दे फ्लाई अपार्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन एट द इक्वल स्पीड्स, देन द मास रेशियो एम बी बाय एम ए इज। तो पार्टिकल ए है, ठीक है, इसका मास एम ए है, यू स्पीड से आया, पार्टिकल बी जो कि रेस्ट में था, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हुई, आफ्टर दैट एम ए जो है वो इस तरफ जा रहा है किसी स्पीड वी से, और एम बी जो है वो इस तरफ जा रहा है सेम स्पीड वी से बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को बराबर करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करें तो 2v हो जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करें तो u हो जाएगा, तो 2v बराबर u हो गया। यहाँ से v की वैल्यू अपने पास कितनी आई, u बाय 2। अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं, तो एम ए इंटू यू इसका जीरो हो गया, इस वाले का कितना आएगा एम ए इंटू वी माइनस में, और इसका आ जाएगा एम बी इंटू वी प्लस में, ठीक है। तो चलो u की वैल्यू रख देते हैं 2v डायरेक्ट, तो u की वैल्यू 2v यहाँ रख दो, तो 2mAv इज इक्वल टू माइनस mAv प्लस mBv, mAv और 2mAv ये 3mAv हो जाएगा, 3mAv और v से भी वैसे भी कट जाना है तो mB, तो 3mA इक्वल्स टू mB, mB बाय mA पूछा है, mA को डिवाइड में ले आओ mB के, mB बाय mA इज 3, इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा 3। टू बॉल्स ऑफ इक्वल मास आर प्रोजेक्टेड अपवर्ड साइमल्टेनियसली, वन फ्रॉम द ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड अदर फ्रॉम ए 40 मीटर टावर विद इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। तो एक को तो ग्राउंड से थ्रो किया आपने, कितनी स्पीड से, 50 की स्पीड से, और एक को आपने ऊपर की तरफ ही थ्रो किया 30 की स्पीड से, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया। The maximum height attained by their center of mass is, center of mass की maximum height ये कितनी gain करेगा, ये पूछा आपसे, right? तो अभी फिलहाल अगर मैं देखूँ center of mass कहाँ पे होगा, तो ये height कितनी है tower की, tower की height अगर देखें तो ये देखो 40 मीटर है, दोनों का मास सेम है, तो center of mass एकदम mid में आएगा अभी, तो center of mass की जो height अभी 20 मीटर पे है ऑलरेडी पहले से है। अब आगे देखते हैं और कितना ऊपर जाएगा, center of mass की initial velocity की बात करें तो m1 u1 plus m2 u2 अपन में m1 plus m2, m1 और m2 दोनों बराबर है, तो m into u1 plus m into u2 अपन में 2m, m से m कट जाएगा, तो u1 plus u2 by 2 आ जाएगा, which is 50 plus 30 by 2, 80 by 2, मतलब 40 meter per second। और acceleration की बात करें तो m1g plus m2g अपन में m1 plus m2, तो g common आ जाएगा, तो m1 m2 कट जाएगा, तो acceleration center mass g के बराबर ही आने वाला है। तो यहाँ से center mass कितना ऊपर जाएगा, तो maximum height यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो वो आएगी u square by 2g, u जो है center mass की speed है, which is स्क्वायर ऑफ मतलब 40 मीटर पर सेकंड, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1600 बाई 2 इंटू जी, जी की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, 10 से 10 कट गया, ये आ गया 80 मीटर आ गया यहाँ से, यहाँ तो 20 पहले से ही था, तो 20 प्लस 80 यहाँ से कितना आ जाएगा 100 मीटर। तो सेंटर ऑफ मास जो है ग्राउंड से कितना हाइट पे जाएगा मैक्सिमम 100 मीटर पे जाएगा, और किलोमीटर पे अपन से पूछा है, तो किलोमीटर में पूछा है तो 1000 से डिवाइड कर दो आप, ठीक है, तो 00 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ जाएगा 0.1 किलोमीटर, करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.1, ठीक है। चलिए तो यहां से यहां तक 18th क्वेश्चन हो गए। उन्नीसवां देखो, ए लैडर ऑफ लेंथ एल इज स्लीपिंग विद इट्स एंड्स अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल एंड ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, एट ए सर्टन मोमेंट द स्पीड ऑफ द एंड इन कॉन्टेक्ट विद द हॉरिजॉन्टल फ्लोर इज वी, एंड लैडर मेक्स एन एंगल थीटा 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, then the speed in meter per second of the latter center of mass must be, देखिए center of mass की speed कितनी होनी चाहिए, आइए जरा ये ladder है, ladder के इस point की speed v है, ये theta आपको दे रखा है, ये point downward slide करेगा, ICUR की बात करें तो इसके perpendicular और इसके perpendicular line draw कर दो, ये ICUR हो जाएगा। तो omega की बात करें तो omega कितना आएगा यहाँ पर, omega is equal to v upon में ये वाले डिस्टेंस, अगर ये L मानूं तो ये L
साइन थीटा आ जाएगा, तो वी अपॉन में एल साइन थीटा आ गया ओमेगा, करेक्ट। ओमेगा बराबर आ गया वी बाय एल साइन थीटा। अब सेंट्रोमास यहाँ पे है, ठीक है, सेंट्रोमास की स्पीड कितनी आएगी, ये एक रेक्टेंगल बना और रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये अगर एल है तो ये हाफ लेंथ एल बाय टू, तो ये भी एल बाय टू। सेंट्रोमास की जो वेलोसिटी है VCM वो आ जाएगा ओमेगा इंटू में एल बाई टू, करेक्ट, ओमेगा इंटू एल बाई टू। तो ये वैल्यू अगर अपन यहाँ रखें तो ओमेगा की वैल्यू अपने पास कितनी है, वी अपॉन में एल साइन थीटा, ठीक है, और इंटू में अपन यहाँ कर देंगे एल बाई टू। सेंट्रोमास की स्पीड अपन से पूछी है, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो एल से एल कैंसिल आउट हो गया, तो वी बाई टू साइन थीटा सेंट्रोमास की स्पीड आ गई, क्लियर। साइन थीटा की वैल्यू 1 बाई टू आ जाएगी क्योंकि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो साइन 30 कितना आएगा 1 बाई टू, तो 1 बाई टू कट जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी वी के बराबर। तो सेंट्रोमास की स्पीड जो है वो वी के इक्वल ही है, और वी कितना है 2 मीटर पर सेकंड, तो करेक्ट आंसर इज 2। आइए 20 लास्ट क्वेश्चन है, रॉकेट ऑफ मास 40 केजी हैज 160 केजी फ्यूल, द एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्यूल इज 2.0 किलोमीटर पर सेकंड, द रेट ऑफ द कंजप्शन ऑफ द फ्यूल इज 4 केजी पर सेकंड, कैलकुलेट द अल्टीमेट वर्टिकल स्पीड इन किलोमीटर पर सेकंड गेन बाय द रॉकेट इज, एलएन 5 की वैल्यू आपको दे रखी है और जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, राइट। तो चलिए देखते हैं, तो रॉकेट जो है जब ये मूव करेगा तो इसकी जो स्पीड होगी, जो स्पीड गेन करेगा उस पर जी का भी इफेक्ट अगर अपन इंक्लूड करें तो स्पीड आती है वी आर, जो एग्जॉस्ट स्पीड होती है गैसेस की, एलएन एम नॉट बाय एम माइनस जी टी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वी की मैक्स वैल्यू अपन से पूछिए, जी का इफेक्ट तो यहाँ पे लेना ही पड़ेगा, तो वी आर कितना है यहाँ पर, एग्जॉस्ट स्पीड कितनी है, एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ फ्यूल इज 2.0 किलोमीटर पर सेकंड, तो ये 2000 हो जाएगा मीटर पर सेकंड में एलएन। अब ये देखो कि जब पूरा फ्यूल खत्म हो जाएगा, इनिशियली देखा जाए तो पूरा मास कितना रॉकेट प्लस फ्यूल का 200 केजी, 160 प्लस 40, और जब पूरा फ्यूल खत्म हो जाएगा तो रॉकेट का तो मास बचेगा ना 40 बचेगा, 40 रख दो, ठीक है, ये 40 आ गया, माइनस जी, जी की वैल्यू 10 दे रखी है, इनटू टी, टाइम कितना लगेगा। अब जो फ्यूल कंजप्शन है वो 4 केजी पर सेकंड से हो रहा है और टोटल फ्यूल कितना है 160 केजी, तो कितना टाइम लगेगा टोटल फ्यूल को बर्न होने में, तो 160 बाय 4 करें तो आ जाएगा 40 सेकंड, 40 सेकंड में पूरा फ्यूल बर्न हो जाएगा, तो टी की वैल्यू 40 आ गई यहां पर। यहां पर इसको सॉल्व करें तो ये 5 आ जाएगा, एलएन 5 की वैल्यू 1.61 है, तो 1.61 इनटू 2000 करेंगे अपन, माइनस का 400, ठीक है। इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये 2 आ गया, ये 12 हो जाएगा, 1 और 3.22 इनटू 1000 कर दें तो ये 3220 आ गया, और 400 अगर सबट्रैक्ट कर दें तो ये कितना आएगा 2820, ठीक है, तो 2820 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर सेकंड में अपन से पूछा है तो 1000 को डिवाइड कर दो तो 2.82 किलोमीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, 2.82, ओके। तो ये था आपका 20वां क्वेश्चन, तो ओवरऑल पेपर आसानी था, ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करते रहिए, थैंक यू।